साइंस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस लाइव क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेलीस्कोप को। इससे पहले के क्लासेस में हमने माइक्रोस्कोप को पढ़ा था, उसके पहले के क्लास में हमने ह्यूमन आई को पढ़ा था, डिफेक्ट्स ऑफ विजन को पढ़ा था। ये हमारा सेक्शन चल रहा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर में सबसे पहले हमने ह्यूमन आई को सीखा था, उसके बाद डिफेक्ट्स ऑफ विजन को सीखा है, उसके बाद फिर हमने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा है, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा है, और आज के क्लास में यहाँ के बाद आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग को पढ़ना है टेलीस्कोप। उम्मीद करता हूँ कल से बेटर आज होगा, और उम्मीद करता हूँ लाइट वगैरह का जो भी इशू था उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, तो आज ऑडियो वीडियो सबको क्लियर जा रहा होगा। एक बार मुझे कन्फर्म कर दीजिए सब लोग कि क्या एवरीथिंग ओके है, तो मैं आगे इसमें स्टार्ट करूँगा। जरा एक बार कमेंट करके बताइए सब लोग कि क्या सबको क्लियर है सब कुछ। गुड इवनिंग एवरीवन, मनीष, मोना, रितेश, विपिन, प्रिंस बिहारी, पार्वती, यू आर ग्रेट गुरुजी, थैंक यू सो मच पार्वती, लक्ष्मण, अभिषेक, गौतम, स्नेहा, यस सर ओके है। चलिए जब ओके है तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। टेक्निकल टॉप सपोर्टर, क्या बात है जी, तुम लोग का नाम देख देख करके, और एक बार को तो मुझे भी लगता है कि हम भी कोई वैसा ही नाम रख ले, धुरंधर फिजिक्स कैसा रहेगा नाम। आस्था, मयंक, पूजा, सब लोग के लिए क्लियर है। चलिए जब क्लियर है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, चूंकि टाइम काफी लंबा लग जाता है जब हम बोर्ड पर डेरिवेशन कर रहे होते हैं, तो मेरे पास एक ऑप्शन ये भी है कि क्यों ना चीज़ों को हम प्रोजेक्ट करके और बस एक्सप्लेनेशन आपको समझाते चले जाएं। जहां दिक्कत होगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और उसके बाद फिर जो है हम लोग इसको जहां पे भी दिक्कत लगेगा उसको हम लोग फिर से कर लेंगे। ऐसे मेरा एक सलाह होगा कि आप लोग सबसे पहले तो दो काम करिए कि जब तक मैं बोलूँ नहीं तब तक आपको किसी तरह का कमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। फालतू का बेकार का कमेंट करते भी हो तो हम देखते नहीं हैं, हम जब हाथ में मोबाइल लेके ही आपसे पूछेंगे कि आप मुझे कमेंट करके बताओ तभी हम देख पाएंगे। तो बेटर ये होगा कि बाकी टाइम आप स्क्रीन को रोटेट कर लीजिए और लैंडस्केप मोड में कर दीजिए और चैट को ऑफ कर दीजिए, जिससे फ़ायदा क्या होगा कि बाकी कोई फालतू का बेकार का मैसेज कर भी रहा हो तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आप आराम से पढ़ते रह सकते हो। जैसे मेरे पास भी मोबाइल है तो हम इसको स्क्रीन को इस तरीके से अगर हम रोटेट कर लेते हैं तो रोटेट कर लेने के बाद फुल स्क्रीन ये आता है, और रह गया बीच में कमेंट आने का तो टैप पर टच करके उसके बाद कमेंट को ऑफ कर दीजिए, तो बिल्कुल क्लियर केवल पढ़ाई का काम का चीज़ आएगा, बाकी फालतू का जिसका भी जो रहेगा वो आपको नहीं आएगा। तो ये सबसे बेस्ट होगा, और जब आपको कमेंट करना होगा तो लाइव चैट को ऑन कर लीजिए। हमने क्या देखा है कि YouTube पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है सबके सारे स्टूडेंट का, वो है चैट पे एक दूसरे से बात करना। अरे चैट पे बात करके तुम कौन सा प्रेसिडेंट मेडल ले लोगे भाई, कुछ होना तो है नहीं, तो फालतू का बेकार वाला काम क्यों करते हो। जब आ ही गए, डेटा आपका जा ही रहा है, टाइम आपका जा ही रहा है, फुल कंफर्ट में आप हो ही, हम आपके लिए मेहनत कर ही रहे हैं, तो फिर बेटर होगा कि अच्छे से पढ़ लीजिए। चैट में फालतू का बकवास करने से क्या मिलना है, इसलिए चैट ऑफ कर दीजिए, फुल स्क्रीन इस तरीके से कर लीजिए आप, मे भी आपको दिख रहा होगा, और उसके बाद आराम से आप पढ़ते रहिए। जहां मैं पूछूंगा आपसे वहां पे बस खाली आप हमको रिप्लाई कर दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, ये सबसे बेस्ट आइडिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इससे पहले के क्लासेस में जहां तक पढ़े थे वहां से आगे आज हम लोग बढ़ेंगे। और पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे आज हम लोग पढ़ेंगे यहां से। उम्मीद करते हैं सब लोग को ये क्लियरली दिख रहा होगा। एक बार मुझे सब लोग कंफर्म कर दीजिए कि क्या जो लिखा हुआ यहाँ बोर्ड पे है वो सब लोग पढ़ ले रहे हैं, दिख जा रहा है, तो मुझे केवल एक्सप्लेनेशन देने का जरूरत पड़ेगा, बाकी का टाइम हमको लिखने में या और कुछ करने में, चूंकि लिख करके नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे दे दिया है, मे बी आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं पहले वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं,
आपका काम है पहले जब मैं टेलीग्राम पे दे देता हूँ तो नोट्स एक बार पहले पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो यहाँ समझ लीजिए और उसके बाद फिर आप उसको अपनी कॉपी में फेयर कर लीजिए। इतना काम आप कंटिन्यू डेली करते चलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बिलीव मी ऑनलाइन जो है ऑफलाइन से भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा अगर आप इतना करते चलते हैं तो। और अगर इतना नहीं करते हैं तो फिर पहले भी आप बेकार थे और आज भी बेकार रहने वाले हैं, इसमें फिर कोई चेंज नहीं होगा। यस सर एवरीथिंग इज ओके, क्लियर है, ऋतिक बोल रहे हैं, आस्था भी बोल रहे हैं, यस सर क्लियर दिख रहा है। चलिए जब सभी लोग को क्लियर दिख रहा है तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। अंजलि, पूजा, मुनील सब लोग बता रहे हैं कि यस सर क्लियर दिख रहा है, और जब क्लियर दिख रहा है तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग का है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का मतलब होता है दूरदर्शी, नाम से ही समझ में आ रहा है कि वैसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं दूरदर्शी। लिखा हुआ डेफिनेशन आपके पास है, द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड टेलीस्कोप। हिंदी में अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो वह प्रकाशीय यंत्र जो दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने में प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं दूरदर्शी। मतलब जिससे हम लोग इससे पहले कंपेयर करके देखना कि हम लोग जब माइक्रोस्कोप पढ़ रहे थे तो माइक्रोस्कोप में क्या था कि इससे हम लोग निकट की ही और बहुत छोटी वस्तु को क्लियरली देखने के लिए प्रयोग करते स्पष्ट देखने के लिए प्रयोग करते थे। इसमें भी दो टाइप का था कि अगर वस्तु छोटी हो तो हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते थे, और जब वस्तु बहुत ही छोटी थी जिसे नेक्ड आई से मतलब नंगी आँख से या सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते तो उसको देखने के लिए हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते थे। ये दो टाइप का माइक्रोस्कोप था, और अब हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं, अब हम लोग को पढ़ना है टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप क्या होता है कि ये बहुत दूर की वस्तु को जिसे हम लोग नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं या सिंपली नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं उसे अगर क्लियरली देखना है तो हम लोग जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं वो कहलाता है टेलीस्कोप, हिंदी में कहते हैं उसको दूरदर्शी। अब देखो इसके टाइप्स को हम लोग को पढ़ना है कि टाइप्स कौन कौन सा होगा, तो दो टाइप्स होता है इसका, एक होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और दूसरा होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग कहने का मतलब अपवर्तक दूरदर्शी। इसका डेफिनेशन देख लीजिए, डेफिनेशन आपको ऑलरेडी मैंने लिख के दिया हुआ है कि द टेलीस्कोप which works on the telescope which works on the principle of refraction of through lenses is called refracting telescope। मतलब वैसा टेलीस्कोप जो लेंसों से रिफ्रैक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब क्या हुआ कि इसमें लेंस लगे हुए होंगे और लेंस जो है लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा और उसी के रिफ्रैक्शन के बेसिस पर ये काम करेगा। मतलब लेंस इसमें दो हो सकता है, तीन हो सकता है, लेकिन होगा लेंस ही और उससे रिफ्रैक्शन पर ही ये काम करेगा, तो वैसे वाले को हम लोग रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। हिंदी में अगर देखें इसके लिए तो हिंदी में लिखा हुआ है कि वह वैसा दूरदर्शी जो लेंसों से अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है उसे अपवर्तक दूरदर्शी कहा जाता है। मतलब वैसे पहले तो हम लोग टेलीस्कोप क्या करते हैं, टेलीस्कोप कि वैसा डिवाइस जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने में हेल्प करता है तो हो गया हमारा टेलीस्कोप, और वैसा टेलीस्कोप जो लेंसों से रिफ्रैक्शन पर मतलब अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है उसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अब देखना इसके भी टाइप्स होते हैं, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के भी टाइप्स होते हैं, और ये दो टाइप का होता है। एक को कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, मतलब खगोलीय दूरदर्शी, नाम से भी समझ में आ रहा है कि एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को देखने में प्रयोग होगा तो वो कहलाएगा एस्ट्रोनॉमिकल। मतलब खगोलीय पिंडों को स्पष्ट देखने में जिस दूरदर्शी का प्रयोग करेंगे वो कहलाता है खगोलीय दूरदर्शी। और दूसरा ये होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, हिंदी इसका होता है पार्थिव दूरदर्शी। मतलब टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है अर्थ पर के ही बहुत दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में जिसका प्रयोग करते हैं उस टेलीस्कोप को कहते हैं टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल कहने का मतलब पृथ्वी पर की दूर की वस्तु को, तो इसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, यानी ये होता है पार्थिव दूरदर्शी। इस तरीके से हमारे पास जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है वो दो टाइप का होता है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप मतलब जो लेंसेज से रिफ्रैक्शन के बेसिस पे काम करेगा, और दो टाइप का, एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को देखने में प्रयोग किया जाता है, और दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल
जो पृथ्वी पर के बहुत दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने में प्रयोग किया जाता है। एक बार मुझे कंफर्म करिए कि क्या यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है, तब हम आगे बढ़ेंगे, या मुझे लिख के बताने की जरूरत है। आप लोग जरा कमेंट करके बताइए तो, क्या यहाँ तक जो बताए हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, क्या सबको क्लियर है, या मुझे लिख करके और एक एक करके बताने की जरूरत है। कोरोना वायरस बोल रहे हैं, यस सर, क्या बात है। कोरोना वायरस को भी जब क्लियर है तो बाकी सबको तो उम्मीद है क्लियर ही होना चाहिए, जो हम लोग का कोचिंग बंद करवा करके रखा हुआ है। यार जो भी हो कोरोना वायरस के नाम से कम अपना नाम ठीक कर लो, वरना सबका गुस्सा तुम्हारे पे निकल जाएगा। चलिए क्लियर है सब लोग को, ओके सर क्लियर है, ऋतिक बता रहे हैं, चलिए ठीक है। फिर तो आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट हम लोग को देखना है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। आज ना इसके बेसिस से प्रोजेक्टर का हेल्प कर लेने के बाद हमको कुछ खास ज़्यादा करने का जरूरत नहीं होगा, सारी चीज़ें आपके सामने प्रोजेक्ट होगी और वहीं से हम जो है आराम से आपको एक्सप्लेन कर लेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ एक्स्ट्रा हम लिख करके आपको बता लेंगे। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, नाम से ही समझ में आ रहा है रिफ्लेक्शन करने वाला होगा, यानी कि परावर्तक दूरदर्शी होगा, परावर्तन करने वाला होगा। डेफिनेशन देख लो कि द टेलीस्कोप विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन बाई मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, वह दूरदर्शी जो दर्पण से परावर्तन या दर्पणों से परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, उसे हम लोग परावर्तक दूरदर्शी कहते हैं। कंपेयर करके देखो पहले वाले से, इससे पहले रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में क्या पढ़े कि उसमें लेंसों से अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, और यहाँ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या पढ़ रहे हैं कि ये दर्पणों से परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, मतलब उसमें लेंस लगा हुआ होगा अपवर्तक दूरदर्शी में, और परावर्तक दूरदर्शी में दर्पण लगा हुआ होगा। अब देखना इसके भी टाइप्स को हम लोग को पढ़ना है, तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को अगर लें तो मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है कैसेग्रेन टेलीस्कोप और दूसरा होता है न्यूटोनियन टेलीस्कोप। दोनों नाम से है, कैसेग्रेन साइंटिस्ट का नाम है तो इसका तो हिंदी हम लोग कुछ करेंगे नहीं, तो कैसेग्रेन दूरदर्शी कहेंगे, और जो इसको न्यूटन ने बनाया था उसका नाम है न्यूटोनियन टेलीस्कोप, इसीलिए इसको हम लोग न्यूटोनियन दूरदर्शी कहेंगे। तो इस तरीके से अगर पूरा इंट्रोडक्शन समझा जाए तो वह ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो बहुत दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने में मदद करता है उसे टेलीस्कोप कहते हैं। काम करने के बेसिस पर उसको दो पार्ट में हम बांटते हैं कि अगर लेंस से अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करेगा तो अपवर्तक दूरदर्शी, और अगर दर्पण से परावर्तन के सिद्धांत पर काम करेगा तो परावर्तक दूरदर्शी। अब अपवर्तक जो है यानी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, वो भी दो टाइप का, एक एस्ट्रोनॉमिकल और दूसरा टेरेस्ट्रियल। एस्ट्रोनॉमिकल कहने का मतलब जो खगोलीय पिंडों को, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को देखने में प्रयोग किया जाता है, और दूसरा टेरेस्ट्रियल इसका मतलब क्या हुआ कि जो पृथ्वी पर के बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखने में मदद करता है वो कहलाता है टेरेस्ट्रियल। दूसरा होता है रिफ्लेक्टिंग यानी परावर्तक, इसमें भी दो टाइप, मिरर से रिफ्लेक्शन के बेसिस पे काम करेगा, एक कैसेग्रेन होता है और दूसरा न्यूटोनियन होता है। तो इस तरीके से कुल मिला करके अगर हम लोग नाम के बेसिस पर या क्रोडल क्लासिफिकेशन को देख ले तो हम लोग को चार टाइप का टेलीस्कोप को पढ़ना है, और इन चारों टेलीस्कोप को आज ही खत्म करने वाले हैं। मेरे लिए ये आसान होगा कि लिखना नहीं पड़ेगा और हम जल्दी ही क्लास को वाइंड अप कर सकते हैं। इस बीच बहुत सारे लोग नया जुड़ रहे हैं, उन लोग को हम एक बार रिमाइंड करवा देते हैं कि ये जो नोट्स पे जिसपे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये आपको टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाला हुआ है, आप एम्बिशन या एम्बिशन NWD लिख करके या एम्बिशन नवादा लिख करके भी आप सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वो चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसके जैसे बहुत सारे PDF ऑलरेडी उसमें डाले हुए भी हैं और आगे भी बहुत कुछ आने वाला है। उसके बाद फिर क्या है कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लो, चैट बंद करो और पहले लाइक ज़रूर कर देना। अच्छा कल हम लाइक करने बोले थे तो कुछ बेईमान लोग क्या किया कि डिसलाइक ठोक के चला गया। अरे भाई तुम्हारे डिसलाइक कर देने से कोई कुछ फर्क तो पड़ता नहीं, हाँ लाइक कर देने से अंदर से एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है कि नहीं हमारे मेहनत का ना लोग कदर करते हैं तो अच्छा फील होता है। जो भी कर रहे हो अगर उसको कोई पसंद करे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा अच्छा फील होता है कि नहीं हमारे मेहनत की लोग कदर कर रहे हैं। तो लाइक कर दो या डिसलाइक करें, कौन सा तू करोड़पति बनने वाला है, तो कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो क्यों करता है वैसे। इसलिए जो भी करते हो कुछ ढंग का कर दो, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सभी लोग को क्लियर होगा। मे आई गो टू द बाथरूम ड्रीम 100 ईयर एगो, तुम बेटा बाथरूम क्यों, तुम जा करके वहीं रह जाओ, तू उसी लायक है ही, तो वहीं रह जाओ क्योंकि आगे जीवन में सब दिन बाथरूम ही तुमको जाना है। इसलिए जाओगे क्योंकि तुमसे ग्रुप डी से ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं, और आपको पता होगा ग्रुप डी वाला ना बाथरूम ही साफ करता है, तो तू उसी लायक है तो वहीं चले जाते।
ये सर नोट्स मिल गया है और नोट कॉपी में भी नोट कर लिए हैं सुरुचि। वाह बहुत बढ़िया सुरुचि, दीपक लाइक कर दिए सर। चलिए थैंक यू सो मच बालक। और जो 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 लोग नहीं ज्वाइन किए हैं अभी तक, बहुत सारे लोग आज नहीं ज्वाइन किए हैं तो इस कारण से जो लोग फालतू का बकवास कर रहे हैं उसको हम हटा ही देते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वरना आप भी डिस्टर्ब रहिएगा और सब लोग को डिस्टर्ब भी करते रहिएगा। और बाकी आप लोग को भी जहाँ भी कहीं पर फालतू का कमेंट दिखे तो काइंडली उसको जो है वो ब्लॉक ही कर दीजिए, रिपोर्ट कर दीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वरना आप भी नहीं पढ़ ही पाइएगा और दूसरे को पढ़ने भी नहीं दीजिएगा। राजीव बोल रहे हैं सर डिसलाइक क्यों करते हैं? क्यों करते हैं तो पूछना पड़ेगा बालक कि जो करता है वो डिसलाइक क्यों करता है भला, और क्या फ़ायदा होता है उससे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के। बड़ा बढ़िया टॉपिक होगा ये, और कोशिश ये करना, देखो मेरी बार बार यही कोशिश होती है कि कोशिश ये करो कि जो टॉपिक को क्लास में पढ़ें उसको इतना बढ़िया से समझ ले कि आपको एक बार बस पढ़ने का ज़रूरत पड़े और वो याद हो जाए। अगर आपने लेक्चर बहुत अच्छे से सुना तो आपको फिर ज़्यादा इस पर एफोर्ट डालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आराम से हो जाएगा, इसमें ज़्यादा मेहनत करने का भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो बेटर क्या होगा कि आप जो है इस तरीके से पढ़िए, इस तरीके से समझिए कि एक ही बार में वो पूरा क्लियर हो जाए। और ये टॉपिक भी वैसा ही है, कुछ खास एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। जहाँ ज़्यादा एफोर्ट का ज़रूरत पड़ेगा वहाँ हम आपको बताएंगे कि इसको आपको दो बार तीन बार करके प्रैक्टिस करना है, लेकिन इसमें वैसा कुछ खास नहीं है। देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप नाम से ही समझ में आ रहा है कि एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ को देखने के लिए प्रयोग होगा। हिंदी में कहते हैं खगोलीय दूरदर्शी। डेफिनेशन लिखा हुआ है द टेलीस्कोप विच इज यूज टू ऑब्जर्व द हेवनली बॉडीज क्लियरली इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। मतलब वह दूरदर्शी जो खगोलीय पिंडों को, खगोलीय पिंड समझ रहे होंगे वैसे पिंड जो पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में उपस्थित हैं, जैसे तारे हो गए, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, उनको देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। मतलब वह दूरदर्शी जो खगोलीय पिंडों को स्पष्ट देखने, नॉट ओनली टू सी, क्योंकि देखने का तो हम लोग आँख से भी देख लेते हैं, लेकिन स्पष्ट देखने में प्रयोग किया जाता है उसे खगोलीय दूरदर्शी कहा जाता है। आगे देखो इसके लिए हम लोग करते हैं कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन क्या होता है उसको समझना है कि इसमें हिंदी में लिखते हैं इसको बनावट, और होता क्या क्या है, इस फैक्ट को आप ध्यान रखना। अगर आप बुक पलट के देखिएगा ना तो आपको बुक में बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ मिलेगा, इसका प्रिंसिपल रहेगा, कंस्ट्रक्शन रहेगा, वर्किंग रहेगा, इमेज फॉर्मेशन रहेगा। बिलीव करो मेरी बात पे, अगर उतना चीज़ हम आपको लिख करके नोट्स में तो हम आपको बनवा सकते हैं, लेकिन क्या होगा जब एग्जाम में आपके लिखने की बारी आएगी ना तो याद ही नहीं रहेगा, और ना ही टाइम रहेगा उतना, और ना ही आप उतना एफोर्ट डाल पाइएगा। तो हमने नोट्स को सिर्फ उतना ही किया है जितना 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, जितने से आपको 5 मार्क्स मिले, साथ ही साथ जो वर्ड लिमिट होता है वो भी पूरा हो, जो पेज वाला लिमिट होता है कि आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन को आंसर करने में 2.5 से 3 पेज जरूर होना चाहिए, और उतना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर 10 पेज लिख दीजिएगा तो आपका टाइम तो जाएगा ही और नंबर तो पाछ ही मिलना है। तो इतना ही है ये, इसी कारण से एकदम सबसे प्रिसाइज और सबसे बेस्ट नोट्स आपके लिए ये बनेगा अगर आप इसको कॉपी में लिखेंगे तो, और समझ के रखेंगे आपको इतना ही करना है। बाकी बुक में आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी एक्स्ट्रा है जिसे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रखने के लिए सबसे कॉम्पैक्ट और ये इतना ही काफ़ी है आपके लिए। तो इसमें क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 एक्रोमेटिक कॉन्वेक्स लेंसेज, अरेंज्ड कोएक्सियली इन रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। द लेंस टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव विच इज ऑफ लॉन्ग फोकल लेंथ एंड लॉन्ग नहीं लार्ज है जी लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर एंड द लेंस टुवर्ड्स द आई इज कॉल्ड आई पेज आई पीस एंड विच इज ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर। समझना इसको हिंदी में, यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ लिखा हुआ है एक्रोमैटिक, एक्रोमैटिक कहने का मतलब क्या होता है एक बात को समझना, आगे हम लोग को जरूरत पड़ेगा कि जब हम इस लेंस को देखते हैं ना तो ये जो लेंस है अगर हम इसको 2 पार्ट में बांट दें तो एक पार्ट देखो इसका ऐसा ऊपर होगा और एक पार्ट इसका ऐसा होगा। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है अगर कंपेयर करो तो ये एक प्रिज्म ऐसा दिखता है और एक प्रिज्म ऐसा होता है, मतलब लगभग प्रिज्म के शेप का होता है। तो इस कारण से जब लाइट को हम इससे पास करवाते हैं ना तो ये थोड़ी मात्रा में, पूरा नहीं, थोड़ी मात्रा में वाइट लाइट का डिस्पर्सन कर देता है, मतलब वर्ण विक्षेपण कर देता है। तो जब वर्ण विक्षेपण कर देता है, मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाया हुआ है क्रोमैटिक एब्रेशन, मतलब वर्णीय विपथन। तो क्या होता है कि लाइट को जाना चाहिए था वाइट, निकलना चाहिए था वाइट, तो वाइट ना निकल करके इसमें थोड़ा सा डिस्पर्सन हो जाता है जिसके वजह से साइड में जो है वो कलरफुल दिखता है।
अगर कभी आप कैमरा लेकर के और डायरेक्ट सन को फेस करते हुए आप देखना, देखना आपको साइड में ना एक रिंग टाइप का कलरफुल दिखेगा और सन बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो ये जो होता है, और भी बहुत सारे वैसे फैक्टर्स होते हैं जो जनरल लाइफ में आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये जो कलरफुल विजन देता है, कलर जो है इसका वाइट लाइट का स्प्लिट हो जाता है, वर्ण विक्षेपण हो जाता है, इस दोष को, इस डिफेक्ट को कहते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। और हम लोग दो लेंसेज, मतलब एक मान लेते हैं कि हमारा उत्तल लेंस है और इसी से सटा करके और दूसरा एक अवतल लेंस को रख दिया जाए और दोनों का कॉम्बिनेशन इस टाइप से हो कि हमको जिस फोकस दूरी का लेंस चाहिए वो बना के दे वही फोकस दूरी का। अगर हमको उत्तल चाहिए तो उत्तल ही मिले, या अवतल चाहिए तो अवतल ही मिले। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उसमें उत्तल लेंस वाइट लाइट को स्प्लिट करता है और अवतल लेंस वापस से कंबाइन कर देता है। तो इससे फायदा क्या होता है कि जो वाइट लाइट है उसका वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्शन नहीं होता है, या इतना आपको लफड़े में नहीं पड़ना है। तो आप सिंपल इतना समझो कि जब दो लेंसेज को या हम लोग लेंसों को यूज करते हैं टेलीस्कोप में, तो वहां क्रोमेटिक एब्रेशन यानी वर्णीय विपथन का दोष लेंस में उपस्थित होता है। उसे ठीक करने के लिए हम लोग एक्रोमेटिक कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो वर्णीय विपथन से मुक्त लेंस होता है उसका प्रयोग करते हैं। तो एक्रोमेटिक कॉन्वेक्स लेंस हम लोग प्रयोग तो करते हैं कॉन्वेक्स लेंस ही, लेकिन इसका नेचर होना चाहिए एक्रोमेटिक, और एक्रोमेटिक कहने का मतलब इसमें वर्णीय विपथन वाला दोष नहीं होना चाहिए। और यूज करते हैं हम लोग रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट में। आज हम आपको बढ़िया से समझा सकते हैं। जैसे मान लो कि एक लेंस ये है और दूसरा लेंस देखो ये है, ये वाला लेंस की नली ऐसे है, इस लेंस की नली देखो ऐसे है, और यहाँ पर ये एक सिस्टम लगा हुआ होता है कि जिसको हम रोटेट जब करेंगे ना, तभी इस लेंस के बीच की दूरी आगे पीछे हो सकती है, जिससे ये आपका ऑब्जेक्टिव और ये आपका आई पीस जो है उनके बीच की दूरी को हम लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें प्रधान अक्ष एक ही होता है, मतलब दोनों का प्रधान अक्ष एक ही होता है। तो एक होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये होगा कोएक्सियली, और रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि ये लेंसों के बीच की दूरी को कम या ज़्यादा अपनी ज़रूरत के अनुसार हम चेंज कर सकते हैं। आगे है जो बात पढ़े थे इससे पहले माइक्रोस्कोप में भी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वही चीज़ यहाँ भी होता है कि दो लेंस जब होगा तो एक वस्तु की तरफ होगा, एक आँख की तरफ होगा, तो इसमें उल्टा होता है माइक्रोस्कोप से। इसमें वस्तु की तरफ का जो होता है टुवर्ड द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्ट की तरफ जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, और ये लार्ज फोकस दूरी और लार्ज अपर्चर का होता है। कल मेरे से कोई मैसेज करके पूछ भी रही थी कि सर फोकस दूरी तो समझ में आता है, अपर्चर क्या होता है? तो देखो बालक, एक लेंस ये है और एक लेंस ये है, अब हमको बताओ बड़ा कौन, ए लेंस होगा या बी लेंस होगा? जरा कमेंट करके बताना तो कि बड़ा कौन सा होगा। सुरुचि पूछ रही है अपर्चर मीन्स व्हाट, अपर्चर बता रहे हैं बालक, जरा हमको ये बताओ कि ए और बी लेंस में बड़ा कौन सा होगा, ए लेंस बड़ा होगा या बी लेंस होगा? अंकित राज बोल रहा है ए, गधा कहीं का तुम्हारा आँख खराब हो गया है या दिमाग खराब हो गया है कि दिख नहीं रहा है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है? सब लोग का बी आ रहा है। तो समझो इसको कि ये इतना छोटा है और ये इतना बड़ा है, तो इसका जो डायमीटर है मतलब प्रभावी व्यास जो है वो मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है, और इसका मान लेते हैं कि 8 सेंटीमीटर है, तो तय है कि इसका व्यास ज़्यादा होगा, तो इसको हम लोग बड़े द्वारक का कहेंगे, मतलब लेंस का ना आकार बड़ा होगा और जिसका कम होगा वो छोटा हो जाएगा। तो इसमें हम लोग जब माइक्रोस्कोप में प्रयोग कर रहे थे तो वस्तु की तरफ वाला को छोटा लेते थे और आँख की तरफ वाला को बड़ा लेते थे, लेकिन जब टेलीस्कोप में प्रयोग करते हैं तो ये उल्टा होता है, इसमें वस्तु की तरफ वाला ही लार्ज फोकल लेंथ यानी कि बड़े द्वारक का होता है और आँख की तरफ वाला जो होता है वो छोटे फोकल लेंथ यानी कम छोटे फोकस दूरी और छोटे द्वारक का होता है, और इसको हम लोग कहते हैं आई पीस। मतलब वस्तु की तरफ जो रहेगा वो कहलाएगा ऑब्जेक्टिव, हिंदी में अभिदृश्य, और वो बड़े फोकस दूरी लार्ज फोकल लेंथ और लार्ज अपर्चर का होता है, और जो आई की तरफ होता है उसको कहते हैं हम लोग आई पीस, और आई पीस जो होता है वो छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का होता है। जितना बात अभी हम आपको बताए हैं, जरा हम इसको एक बार रब कर लेते हैं, वही सारा चीज़ देखो नीचे आपको हिंदी में लिखा हुआ है। जो आप नोट्स बना रहे होंगे ना, इस बात का ध्यान रखना कि नोट्स बनाते टाइम आप
हिंदी वाला जो है, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो हिंदी वाला ही केवल लिखिएगा, और जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है वो केवल इंग्लिश वाला ही लिखिएगा। अगर दोनों लिख देते हैं तो बेकार में खाली हो जाएगा आपके लिए, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका। लेकिन मेरे लिए दोनों स्टूडेंट सेम प्रायोरिटी रखते हैं, इसी कारण से हम कोई भी पार्शियलिटी नहीं करते, और इसीलिए जितना है जो है उस सबके लिए हम सेम दे रहे हैं। देखो हिंदी में भी वही बात लिखा हुआ है कि इसमें दो अवर्णीय उत्तल लेंस होते हैं, दो एक्रोमेटिक उत्तल लेंस होता है। अवर्णीय कहने का मतलब क्या बताए कि जिससे प्रकाश का केवल अपवर्तन हो, वर्ण विक्षेपण दोष से मुक्त हो, उसको कहते हैं अवर्णीय। तो अवर्णीय उत्तल लेंस होता है असमाक्षीय रूप से, मतलब समान प्रधानांश वाला, और दंड वक्र दंड व्यवस्था में व्यवस्थित किया हुआ होता है, मतलब एक दूसरे की नली में जो है वो आगे पीछे अकॉर्डिंग टू नीड जरूरत के अनुसार एडजस्ट हो सकता है, और इसमें व्यवस्थित होता है। वस्तु की ओर का जो लेंस होता है उसको अभिदृश्यक कहते हैं, तथा अभिदृश्यक कहलाता है, तथा ये बड़े फोकस दूरी और बड़े द्वारक का होता है, और जो आँख की ओर का लेंस होता है वो छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का होता है, और उसको कहते हैं हम लोग अभिनेत्र लेंस। हमको एक बार कमेंट करके बताना कि क्या यहाँ तक सारे डाउट क्लियर हो गए, जिनको अपर्चर में दिक्कत था, मतलब द्वारक में दिक्कत था, जिनको और जहाँ भी दिक्कत था, वक्र दंड व्यवस्था एक हम कह रहे हैं, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, क्या ये सारा पॉइंट अब क्लियर हो गया? एक बार मुझे कन्फर्म करो सब लोग कि अगर यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया हो तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। कमेंट करके सब लोग बताइए, तो क्या सब क्लियर है? काजल बता रही हैं बी, लक्ष्मण बोल रहे हैं यस सर, अंकित, अभिजीत, मोहित, अर्चना, राहुल, ऋतिक, शुभम, यस सर सब क्लियर है। प्रीति, सौरभ, प्रिंस, अरे सनकी कुशवाहा, तू अपना नाम तो ठीक रख लेता चेला, ऐसा नाम काहे रखता है, ये फेसबुक चल रहा है जी, अरे सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ। चलिए सभी लोगों को क्लियर है सर, अपर्चर रिपीट कर दीजिए। अभी बताए थे यार तुमको अपर्चर का ही नहीं समझ में आता है, सोया रहता है या झुपनी आता है बीच में, बताओ। बता रहे थे कि देखो एक लेंस ये है और दूसरा लेंस ये है, तो इसका आकार मान लेते हैं कि डायमीटर इसका जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और इसका डायमीटर मान लेते हैं कि 8 सेंटीमीटर है। ये लेंस ए है और ये लेंस बी है, तो बताओ बी का जब डायमीटर 8 सेंटीमीटर है, मतलब साइज बड़ा है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि बड़े द्वारक का होगा, और जिसका छोटा है साइज, मतलब डायमीटर कम है, तो उसको हम छोटे द्वारक का कह सकते हैं, यानी कि लेंस जो है वो बड़े अपर्चर का है और ये वाला लेंस छोटे अपर्चर का है। अब बताओ अब क्लियर हुआ? बहुत कंफ्यूज करता है। फंटूस बोल रहे हैं फिर से बताया सर, क्या बताएं फिर से बालक, तो फिर से आकर के वीडियो ही देख लेना, तुम्हारा बुद्धि थोड़ा स्लो चलता है, एक ही मैसेज को बार बार रिपीट नहीं किया करो, वरना क्लास में आओगे चुन चुन के कूटेंगे हम, समझ गया? ये मत बोलना कि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, अभी भी मेरे पास जो है कूटने वाला ऑप्शन है। अगर ये क्लियर हो गया है तो हम देखो इसमें समझते हैं इसके फिगर को, कि फिगर में क्या क्या होता है, इस चीज को समझते हैं बढ़िया से। इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि आप क्लियर देख पाओ इसको। देखना है इसमें लेंस कैसे कैसे काम करता है, उसको आपको ध्यान देना है। व्हाट इज पिनियन, अमीषा चौहान बोल रहे हैं, मतलब एगो होता है उल्लू, उसके बाद होता है सर मेरा क्यों नहीं देखे थे, क्यों नहीं देखे देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है अमीषा कि आपका ना देख रहे हैं, आप गलत टाइम पे मैसेजिंग कर रहे होंगे। और पिनियन कोई अलग चीज नहीं है, अभी हम बताए थे रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि एक मोटी पाइप में कोई एक पतली पाइप जो है इस प्रकार व्यवस्थित की जाए कि वो उसमें आगे पीछे एडजस्ट हो करके और लेंस के बीच की दूरी को कम या ज्यादा कर सके। जब हम बताते हैं तो पता नहीं आप लोग का दिमाग क्या हो गया है, भूसा भर गया है या घर में जाने के बाद सठिया गए हो क्या? जब एक ही चीज को हम पहले बता चुके हैं तो ध्यान से सुना करिए ना, ईयरफोन लगा लीजिए और बढ़िया से सुनिए, फालतू की चीजों पर ध्यान मत दीजिए। कि रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट का मतलब ही होता है कि दो लेंसों के बीच की दूरी कम या ज्यादा अपनी जरूरत के अनुसार किया जा सके, इसी को कहते हैं। अब उसमें सर रैक अलग निकाल के पूछेगा और पिनियन अलग निकाल के पूछेगा, ऐसा नहीं होता है, वो पूरा का मतलब ही यही होता है। दीपक कुमार पूछ रहे हैं व्हाट इज पिनियन, अब बता दिए हैं।
अंकुश बोल रहे सॉरी आई एम लेट सर जी। अनन्या रानी बोल रहे हैं कि यस सर, देखते देखते नींद आने लगता है। कनपट्टी पे खींच के मारेंगे ना तो हमेशा के लिए परमानेंटली नींद गायब हो जाएगा। हम इतना मेहनत करके यहाँ पढ़ा रहे हैं और तुमको घर बैठे बैठे नींद आता है, क्या तरीका है बताओ? थोड़ी भी तो कदर करो इतने मेहनत का। देखना यहाँ हम क्या बताए कि वस्तु की तरफ का जो लेंस होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो ये देखो ऑब्जेक्ट की तरफ वाला है। हम लोग टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं इनफिनाइट पर के वस्तुओं को क्लियरली देखने के लिए। अगर ये वाला फिगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मेरे पास और भी दूसरा ऑप्शन है, आज हम दिखा सकते हैं आपको। उम्मीद करते हैं अब ये नहीं, ये वाला और बेटर क्लियर दिख रहा होगा। हाँ ये वाला पहले से बेटर है। अब देखिए समझने में भी आपको आसानी होगी और हमको समझाने में भी आसानी होगी। वापस से हम लोग पीडीएफ पे जाएंगे लेकिन पहले ये देखते हैं कि इसमें एक लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। यही सेम फिगर हमने आपको बना करके दिया है और देख लो हम भी कॉपी पे बना के दिए हैं आपको और मेरा फिगर जो है वो कितना सुंदर सा बना है और एक आप लोग बनाते हो सुंदर टाइप का फिगर, कितना गंदा लगता है आप लोग वाला। इसलिए आगे से फिगर ना क्लियरली बनाया करना और हमको सब कुछ बनाना आता है, ये देख सकते हो अभी आप। ये जो है ऑब्जेक्ट की तरफ का लेंस है तो इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं। हम लोग चूंकि अनंत पर की वस्तु को देखते हैं, देखो दो पैरेलल बीम को लेकर के आते हैं यहाँ, जब अपवर्तन होता है इस लेंस से तो इसका इमेज बनता है ए डैश बी डैश पे। ध्यान देना इस बात पे कि ए डैश बी डैश पर इसका इमेज बनता है और इसमें चूंकि ऑब्जेक्ट अनंत पर रखा हुआ है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस लेंस के फोकस पे बनेगा, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है वो ओ लेंस का ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस हो जाएगा और ये हमारा उधर कोई बहुत ही विशाल प्रतिबिंब होगा, वस्तु होगा, उसका प्रतिबिंब हम लोग को छोटा सा यहाँ बनता है। अब इस बने हुए प्रतिबिंब के निकट ई लेंस को इस प्रकार वही रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट में इस प्रकार से हम व्यवस्थित कर देते हैं कि इसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में ये प्रतिबिंब बने, मतलब प्रतिबिंब यहाँ बन गया। अब लेंस को आगे पीछे करके हम एडजस्ट कर लेते हैं कि फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बने, सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बने, तो इस ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब जो है वो वर्चुअल और इस तरीके से जिस तरह से उल्टा बना हुआ वैसा ही और बड़ा सा इमेज जो है ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है और इसको हम लोग यहाँ आँख से देख पाते हैं। एक कन्फ्यूजन यहाँ ठीक करना कि देखो लाइट ई वाला जो आ करके यहाँ पर मिल रही है इस बिंदु पर, ऐसा नहीं है कि फोकस यहाँ होगा। क्यों नहीं यहाँ होगा? क्योंकि लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आई, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर कुछ कोण से आई है। आपको पता है कि जब कुछ कोण पर आएगी तो वो फोकस से होते हुए नहीं जाएगी, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो फोकस से होते हुए जाएगी। इस कारण से फोकस बिंदु यहाँ नहीं होगा बल्कि जहाँ पर जाकर के ये इमेज को फॉर्म करवाएगा तो ये ए डैश बी डैश जो है वो बन जाएगा आपका प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब इस प्रकार से बनता है कि ये ई लेंस के आई पीस जिसको अभी नेत्र लेंस कहते हैं उसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में होता है, तब इसका वर्चुअल इरेक्ट और हाईली मैग्निफाइड इमेज हम लोग को ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश मिलता है। हम लोग प्रारंभिक अवस्था में मान लेते हैं कि ये कैपिटल डी पर बन रहा हो तो देखो ई वाला जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी वो ओ लेंस की फोकस दूरी होगी और यहाँ जो ये प्रतिबिंब बना ओ लेंस से वो ई लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, तो वस्तु की दूरी ई लेंस से लिखेंगे तो वो यू ई हो जाएगा और हम लोग प्रतिबिंब पहले बना लेते हैं डी पर तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा डी हो जाएगा। और इसमें हम लोग फिर जब मैग्नीफाइंग पावर को लिखते हैं, आगे हम वहाँ लेके जाते हैं, पहले यहाँ ध्यान देना, अगर मैग्नीफाइंग पावर को लिखेंगे तो फॉर्मूला हमारा कैसा होता है, हम लोग डेफिनेशन कैसा होता है इसमें कि द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाई इमेज टू द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट टू द आई, मतलब प्रतिबिंब द्वारा या अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर अंतरित कोण तथा वस्तु द्वारा आँख पर अंतरित कोण का अनुपात आवर्धन क्षमता कहलाता है। इसमें डी पर की कोई बाध्यता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसका प्रयोग ही हम लोग करते हैं अनंत पर की वस्तु को देखने के लिए, तो उसको तो डी पर ला करके हम नहीं रख सकते ना। मान लो किसी तारे को देख रहे हैं तो उसको 25 सेंटीमीटर पर रख पाएंगे? संभव नहीं है। तो इस कारण से सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब मैग्नीफाइंग पावर को पढ़ रहे थे तो वहाँ लिखे थे कि जबकि दोनों वस्तु तथा प्रतिबिंब दोनों स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर हो तब बीटा बटा अल्फा करते थे,
लेकिन जब टेलीस्कोप पढ़ रहे हैं तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी का कोई बाध्यता नहीं होता, शर्त नहीं होता है इसमें। अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट अनंत पर होगा, हम इस लेंस के पास आँख रख करके देखते उस वस्तु को, तो देखो तो यही वाला अल्फा एंगल बनता ना, यानी यहाँ बनने वाला एंगल हमारा अल्फा हो गया। अब जब हमने इस दोनों लेंसों के बने टेलीस्कोप से जब इसके प्रतिबिंब को देखेंगे तो अंतिम प्रतिबिंब बनता है ए डबल डैश बी डबल डैश। ई जो है इस लेंस के पास से अगर हम देखते हैं, मान लीजिए आपको यहाँ रख करके, तो ये देखो तो ये वाला इमेज को फॉर्म, ये वाला बी डैश कोण बनाएगा, यानी कि वस्तु के कारण आँख पर बनने वाला कोण होगा अल्फा और अंतिम प्रतिबिंब के कारण आँख पर बनने वाला कोण होगा बीटा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से तो एम पी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा। यही चीज़ हम लोग इससे पहले भी पढ़े हुए थे। एक बार मुझे कन्फर्म करो कि क्या सब लोग को फिगर क्लियर है, जो फिगर हम बता रहे थे क्या ये फिगर क्लियर है। सतीश कुमार यादव बोल रहे बहुत मज़ा आ रहा है। खाली मज़ा नहीं लेना बालक, पढ़ना भी और समझना भी। यस सर, केतन बता रहे हैं यस सर, काजल का भी आ रहा है यस सर, दीक्षा यू भी मोटिवेशन। अरे वाह, अमित जुड़ा हुआ है, क्या हाल है अमित, बहुत दिनों बाद दर्शन दिया यार। अच्छा हम दर्शन दिए बहुत दिनों बाद। यस सर ऑल क्लियर, सजल आनंद। चलिए जब सबको क्लियर है तो हम लोग वापस से वहीं आते हैं और जो हमारा डेरिवेशन किया हुआ था उसी को देखते हैं फिर से। इसमें डेरिवेशन को देखते हैं, यही फिगर था दूसरा, देख लो जो वो फिगर था और ये हमने फिगर बनाया है, आप देख लो लगभग एग्जैक्टली सेम फिगर है और आप लोग बनाते हो पता नहीं कौन सा क्या कर देते हो। अच्छा एक बात का और ध्यान रखना फिगर में कि जब आप माइक्रोस्कोप बना रहे थे ना तो उसमें आगे का लेंस छोटा था और पीछे का लेंस बड़ा था, लेकिन जब टेलीस्कोप बना रहे हैं ना तो आगे का लेंस बड़ा और पीछे का लेंस छोटा होना चाहिए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। अगर आपने उल्टा पुल्टा कर दिया, मूड बढ़िया है तो आगे बड़ा पीछे छोटा, अब मूड खराब तो आगे छोटा पीछे बड़ा कर दीजिएगा, तो आपको भी जिसमें मूड ठीक रह करके ऐसे देना चाहिए था उसमें ऐसे नंबर दे देगा, तो फिर कहिएगा नहीं कि बिहार बोर्ड नंबर काट लेता है, क्योंकि बिहार बोर्ड नंबर काटता नहीं बल्कि बिहार बोर्ड में स्टूडेंट नंबर कटवा लेते हैं। वो आपकी इच्छा होती है, आपकी चॉइस होती है। अगर सब कुछ आप बढ़िया से करके दीजिएगा तो कोई पागल नहीं बैठा हुआ है जो नंबर काट ही लेगा। वो किस्मत कुछ लोगों का हो जाता है कि धोखा दे देता है इसमें बिहार बोर्ड में, वो अलग ही फैक्टर है, लेकिन अपने तरफ से पूरी ईमानदारी से पूरे ढंग से चीज़ों को किया करिए ताकि कोई दिक्कत किसी को ना हो। तो इस कारण से फिगर बनाते टाइम जो स्पेसिफिक फैक्ट्स हम बता रहे हैं उसका बिल्कुल ध्यान रखना, गलती सलती उसमें किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। अब देखो ये हमारा फिगर बनना है टेलीस्कोप का और इसमें हम इसका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन जो है उसको सीखना आप, ये तो हमारा ऑलरेडी किया हुआ है, बताया हुआ है। मैग्नीफाइंग पावर हम लोग सीखते हैं या वही इसी को कहते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन, शॉर्ट में इसको एमपी कहते हैं, हिंदी में कहेंगे तो आवर्धन क्षमता होगा या कोणीय आवर्धन कहेंगे, एमपी से लिखते हैं इसको। जो भी डेफिनेशन बता रहे थे वही डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है कि द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाई द फाइनल इमेज, जैसे इसको हम बढ़ा लेते हैं इसका साइज को ताकि और क्लियर दिख सके। अब देखिए बिल्कुल क्लियर दिखेगा ये आपको कि द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाई द फाइनल इमेज एट द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाई द ऑब्जेक्ट टू द आई इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर एमपी। हिंदी में कहेंगे तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर अंतरित कोण बीटा तथा वस्तु द्वारा आँख पर अंतरित कोण अल्फा का अनुपात आवर्धन क्षमता एमपी कहलाता है, और एमपी के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा। अब देखना यहाँ कि बीटा बाई अल्फा को तो आप देख रहे हो, अब इसमें हम लोग फिगर के अनुसार लेकर के चलते हैं क्योंकि हम वहीं पे आपको डिराइव करके दिखा देते हैं फिगर के पास ही ताकि और बेटर क्लियर समझ में आएगा आपको ये कि देखो ये है हमारा बीटा बाई अल्फा। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे हम साइड में कर रहे हैं एम पी बराबर हमने सीखा है बीटा बाई अल्फा, डेरिवेशन आगे हम दिखाएंगे आपको। तो देखना यहाँ इसमें बीटा के लिए अगर लिखते हैं तो देखो बीटा हमारा यहाँ पे बन रहा है ना, इस बार हम छोटे ट्रायंगल को लेते हैं, यहाँ ए डैश बी डैश और यहाँ सी टू है, तो हम इस छोटे से ट्रायंगल को लेते हैं क्योंकि आया हुआ तो यहाँ तक होता है, लेकिन यही लाइन सीधा यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है तो हम यहाँ ले बात तो बराबर ही होगा, छोटा लेंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा, इसलिए इस बार लेते हैं छोटे से ट्रायंगल के लिए। तो बीटा के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश और बाई सी टू बी डैश हो जाएगा, वही ठिट्टा बराबर एल बाई आर जो लिखते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कोण को यहाँ छोटा मान लेते हैं, या आप इसमें टैन ले सकते हो, टैन को हटा सकते हो छोटा मान करके, जैसे भी लेके चलो आपको मिलना है इसमें से ए डैश बी डैश और डिवाइडेड बाई नीचे लिखते हैं सी टू बी डैश। अगेन अल्फा के लिए अगर लिखेंगे तो यहाँ देखना
अल्फा के लिए लिखते हैं तो यहाँ से सामने इस ट्रायंगल को लेके चलते हैं, तो इसके लिए देखना यहाँ पर हो जाएगा ए डैस बी डैस और यहाँ हो जाएगा सी वन बी डैस, तो इसको लिखते हैं ए डैस बी डैस और डिवाइडेड बाई सी वन बी डैस, ऐसा हो जाएगा। अब देखो एम पी के लिए लिखते हैं, नाउ एम पी बराबर अगर मैग्नीफाइंग पावर को लिखें तो बीटा बाई अल्फा था, बीटा का मान यहाँ से ए डैस बी डैस बाई सी टू बी डैस और डिवाइडेड बाई अल्फा का मान यहाँ से ए डैस बी डैस और बाई सी वन बी डैस है। अब देखो तो ए डैस बी डैस से ए डैस बी डैस कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला टर्म ऊपर आ जाएगा तो सी वन बी डैस और ये ऊपर चूंकि फोर्थ टर्म है तो ऊपर और थर्ड टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये सी टू बी डैस हो जाएगा। सी वन बी डैस को अगर आप देखो तो सी वन से लेकर के बी डैस तक का डिस्टेंस एफ ओ है, फोकस दूरी है ओ लेंस का, तो इसको हम लिखेंगे तो ये एफ ओ हो जाएगा और डिवाइडेड बाई सी टू बी डैस, सी टू से लेकर के बी डैस तक की दूरी वस्तु दूरी यू है, लाइट आ रही है ऐसे तो ये डिस्टेंस तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में था तो पॉजिटिव लिया गया, लेकिन इसको हम लेंगे तो इंसिडेंट रे के अपोजिट है तो साइन इसका माइनस में हो जाएगा तो माइनस यू ई हो जाएगा। तो एफ ओ डिवाइडेड बाई माइनस यू ई, कहने का मतलब माइनस एफ ओ डिवाइडेड बाई यू ई हो जाएगा। एम पी के लिए पहला फार्मूला हमारा बीटा बाई अल्फा और दूसरा फार्मूला हमारा माइनस एफ ओ डिवाइडेड बाई यू ई निकल के आता है। क्या एक बार कमेंट करके बताओ सबको क्लियर हुआ ये या मुझे फिर से बताने की जरूरत है? रॉकर केशव बोल रहे नहीं समझ में आया सर, समझ आया सर, क्या नहीं समझ में आया कमेंट करके बताओ, ऐसा क्या है जो नहीं समझ में आया यार? सर अपर्चर तो समझ में आया कि बड़ा और छोटा है पर अपर्चर है क्या? गधा कहीं का तुमसे महागधा, आज तक जीवन में हम नहीं देखे होंगे। जब अपर्चर तुमको समझ में आ ही गया कि साइज बड़ा लेंस का एक होता है, एक लेंस का साइज छोटा होता है, जब बड़ा छोटा साइज ही समझ में तुमको आ गया तो साइज को ही अपर्चर कहते हैं, अब क्या अपर्चर में समझना है तुमको? ऐसा ऐसा नमूना स्टूडेंट मिला है यार कि मूड खराब हो जाता है। गुलशन बोल रहा है एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, अच्छा ठीक है एक बार रिपीट कर देते हैं फिर से। बाकी सभी लोग कह रहा है सर ऑल योर लेक्चर आर सो गुड, appreciate all your efforts, thank you so much पूजा। बाकी कुछ गधों को लगता है कि फालतू का बेकार चल रहा है ये। सर आपका नोट्स बहुत काम किया, हाँ कहाँ काम किया अमित जरा कमेंट करके बताना हमको, कहाँ लगे हुए हो आजकल? टोटल क्लियर है? बीपीएससी मेंस में काम किया, क्या बात है, बीपीएससी मेंस के लिए लगे हुए, वाह। और जो पढ़ रहे हैं अभी 11th 12th में, इन लोगों को लगता है कि सर का काम है फालतू का बकवास करना, तो हम तो बेटा बकवास कर देंगे अभी, समझ में अभी तुमको नहीं आएगा कोई बात नहीं, देख लो वैसे वाले जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को भी बेसिक मेंस तक में नोट्स काम कर रहा है, तो इसलिए थोड़ी इज्जत करो भाई नोट्स की मेरे, और मेरी भी थोड़ी इज्जत किया करो। कदों एक ही चीज़ को 6 बार बताने के बाद नहीं समझते हो, चलो एक बार फिर से बता रहे, ध्यान देना यहाँ कि मैग्नीफाइंग पावर के लिए हमने डेफिनेशन क्या सीखा है, जिन लोगों को क्लियर हो गया रिवीजन करना, जिन लोगों का नहीं क्लियर हुआ दिमाग का सारा ढक्कन खोल करके सुनो कि मैग्नीफाइंग पावर के लिए हमने क्या सीखा है, डेफिनेशन की होता है बीटा बाई अल्फा, बीटा कहने का मतलब अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बनने वाला कोण और अल्फा कहने का मतलब वस्तु द्वारा आँख पर बनने वाला कोण। मान लो कि ये पूरा सिस्टम ना होता तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर से आँख रख करके तो ऑब्जेक्ट देखो तो यही कोण बनाता ना, तो ऑब्जेक्ट जहाँ भी होता वो ये वाला कोण बनाता है, यहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ बनने वाला कोण, तो वही कोण हम इधर भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, अल्फा यहाँ हो जाएगा। देखो अंतिम प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, इस लाइन को ऐसे लाके मिलाते हैं तो हम लोग को देखो बीटा कोण यहाँ मिलता है, तो हम लोग मान लेते हैं छोटा वाला ट्रायंगल यहाँ लेते हैं जिससे कि कंपेयर करने में आसानी होगा, ये मिसकॉल मार रहा है जी, तो इसको कंपेयर करने में आसानी होगा, तो ये वाला ट्रायंगल हम इस तरफ लेते हैं ऑब्जेक्ट का और ये ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग इमेज का, इस तरीके से ले लेते हैं। अब दोनों को लेने के बाद हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं कि बीटा अल्फा के लिए लिखते हैं तो बीटा के लिए देखना, यहाँ से बीटा के लिए लिखेंगे तो इसके सामने वाला अगर मान लो कि बीटा इज वेरी स्मॉल, हमको बताया था कि बीटा इज वेरी स्मॉल तो बीटा इज सिमिलर टू क्या लिख सकते हैं टेन बीटा, और टेन बीटा के लिए लिखेंगे तो पी बटा बी होता है, तो लिखेंगे यहाँ से ए डैस बी डैस और डिवाइडेड बाई इसके लिए हो जाएगा कितना सी टू बी डैस। वैसे ही अल्फा को भी हम मान लेते हैं कि बहुत छोटा है, मेरे पास ना किसी भी डेरिवेशन के 3-4-5 मेथड हो सकते हैं, अब 5-5 मेथड सिखावेंगे तो तुम लोग भी हैंग करोगे और टाइम दुनिया भर लगेगा, बात ये भी है कि उसको पढ़ाने में फिर 6 महीना लगेगा चैप्टर को, तो फिर बाद में शिकायत भी आवेगा कि 3 महीना से पढ़ा रहे हैं वो चैप्टर ख़त्म नहीं किए, ऐसे ऐसे वाले नमूने भी हमको मिले हैं इस साल, लेकिन इसमें लेकिन ये समझ ही में नहीं आता उसको कि किस चैप्टर में कितना पढ़ना है, कम से कम इतना तो अकल होना चाहिए।
अब देखो अल्फा के लिए लिखेंगे तो अल्फा को भी अगर बहुत छोटा मान ले तो इसको हम टेन अल्फा लिख सकते हैं। मन में फिर अगर क्वेश्चन आवे कि सर छोटा ही क्यों माने, तो इसलिए माने क्योंकि छोटा मानने के बाद जो भी छोटे के लिए सही होगा वो हर बड़े के लिए सही हो जाएगा, तो इस कारण से इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं। अब देखो यहाँ से अल्फा लिखिएगा तो ये हो जाएगा ए डैस बी डैस और डिवाइडेड बाई सी वन बी डैस, ऐसा होता है। अब अल्फा बीटा दोनों के मान को रखते हैं एमपी में, तो यहाँ से ए डैस बी डैस से ए डैस बी डैस कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, मतलब फोर्थ टर्म ऊपर आ जाएगा। तो सी वन बी डैस डिवाइडेड बाई सी टू बी डैस। अब देखना है यहाँ कि सी वन बी डैस जो है उसको लिखते हैं हम लोग एफ ओ, क्यों लिखते हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फोकस का है तो फोकल लेंथ हो जाएगा और ओ लेंस का, और सी टू बी डैस को लिखते हैं तो ये है आई पी से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, इसको लिखते हैं यू ई, चूँकि ये वाला इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है तो एफ ओ का साइन पॉजिटिव मिल रहा है और यू ई का साइन इंसिडेंट रे के अपोजिट होगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस एफ ओ डिवाइडेड बाई यू ई होगा। तो पहला फॉर्मूला एम पी का बीटा बाई अल्फा और दूसरा फॉर्मूला इसका होता है माइनस एफ ओ डिवाइडेड बाई यू ई। एक बार मुझे कन्फर्म करो क्या अब सबका ठीक हुआ, जरा एक बार कन्फर्म करके बताइए। तो अनामिका बोल रहे हैं सर आज नेट बहुत स्लो है, तो हम क्या आके फास्ट कर दें? आप बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं लक्ष्मण, थैंक यू बालक। बुक तो बेकार है, नोट्स ही सही है। नोट्स तो ऑब्वियसली सही होता है बालक, क्योंकि बुक में जो लिखना था एक बार लिखा जा चुका है और नोट्स में आपकी ज़रूरत के अनुसार हम इम्प्रूव करके देते हैं। दैट्स वाई हम बुक को बेकार नहीं कहते, वो आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा, लेकिन आप जो क्लास अटेंड करके सीखिएगा ना वो उससे कहीं बेटर होगा। काजल बोलिए सर क्लियर है ना। आगे कह रहे हैं प्रियांशु रियल सर योर क्या लिखता है यार भाई, पर्सपेक्टिव माइंड ब्लोइंग, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस। स्पेस थ्रू विच लाइट पासेज इन एंड ऑप्टिकल इज कॉल्ड अपर्चर। हे प्रभु कहाँ कहाँ से ये सब फालतू वाला बात उठा के ले आते हैं। अपर्चर के पीछे इतना फैन दीवाने काए बने हुए हैं। सिंपल सा बात बोले हैं कि बड़ा जो दिखता है उसका अपर्चर बड़ा होगा, छोटा जो दिखता है उसका अपर्चर छोटा हो गया, बात खत्म हो गया। अब उतना लंबा चौड़ा करने लगिएगा तो खुद भी पागल होइएगा और समझ में भी कुछ नहीं आने वाला है। मोटा मोटी जहाँ पे हम कह दें उसको वैसे ही समझ लो, ज़्यादा फायदे में रहोगे। आगे बढ़िए रजनीकांत। पी टाइप एन एन टाइप सेमीकंडक्टर पूछा डायोड में, डायोड पी टाइप एन टाइप का तो लेक्चर भी ऑलरेडी अवेलेबल होगा, अब जाके देखना अमृत राज वाले चैनल पे या फिर फिजिक्स विद अमृत सर वाले चैनल पे देखना, उसके लिए बहुत बढ़िया लेक्चर अवेलेबल है ऑलरेडी। पंकज बोल रहे यू आर द बेस्ट टीचर गुरुजी, थैंक यू सो मच पालक। अपर्चर इज इक्वल टू वाइड ऑफ लेंस, हो गया भाई अपर्चर पे ना हमको एक घंटा से लेक्चर दिलवा रहा है। अब की बार कोई अगर अपर्चर का नाम लिया तो हम अपने लेंस अपने नहीं अपने वाले कैमरा का नहीं फोड़ सकते, तुम लोग के आँख के कॉर्निया वाला अपर्चर फोड़ देंगे हम, समझ गया। अपर्चर के पीछे फैन बना हुआ है और बाकी चीज़ आगे बढ़ो यार, उससे बाकी जिसको जो कन्फ्यूजन रहेगा वो क्लास में आकर के देखना, आगे पूछ लेना फिर से बताते हैं। चलो तो ये देखो हम लोग निकाल लिए हैं, वही जो डेरिवेशन हमने किया था उसी का फॉर्मूला निकला हुआ है कि माइनस एफ ओ डिवाइडेड बाई यू ई होता है। अच्छा एक बार कोई हमको ये बोल रहा था कि सर फिजिक्स को हम लोग कैसे पढ़ें कि बहुत आसान लगे, तो हमारे लिए पास ना उसका एक टेक्निक है, वो टेक्निक ये है कि फिजिक्स को बस अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, ना तो फिजिक्स आसान है ना तो फिजिक्स टफ है, बस खाली आपको ना थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है और तन मन धन से पढ़ने की ज़रूरत है। तन कहने का मतलब शरीर ना आपका साथ दे, फुल कंसंट्रेशन, जैसे आँख दिमाग और हाथ और बाकी सब कुछ जो है उसी पर हो जो पढ़ रहे हैं। उसके बाद मन हो गया कि मन तो पूरा उसी में लगना चाहिए और धन भी कि गुरुजी को दान दक्षिणा दे के पढ़िए तो समझ में आएगा फिजिक्स, हल्के में ना फिजिक्स समझ में नहीं आने वाला है, तो तन मन धन तीनों लगना चाहिए इसमें तो समझ में आएगा, यही जवाब हम दिए थे उनको। आगे देखना यहाँ, अब यहाँ भी कल भी हम आपको बताए थे फोर डिस्टिंक्ट विजन दो टाइप का होता है, एक होता है फोर डिस्टिंक्ट विजन और दूसरा होता है फोर नॉर्मल विजन। तो डिस्टिंक्ट विजन कहने का मतलब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बनना चाहिए और नॉर्मल विजन कहने का मतलब अंतिम प्रतिबिंब इन्फिनाइट पर बनना चाहिए। तो अब दोनों के लिए जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया था एम पी बराबर माइनस एफ ओ बाई यू ई, इसके लिए हम निकालते हैं क्या होगा कि स्पर्श दर्शन के लिए लेते हैं डिस्टिंक्ट विजन के लिए, तो सिंस फॉर्मूला 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू पढ़े हुए, तो यहाँ अगर देखें तो वी का मान हमको चाहिए डी पर बनने वाला प्रतिबिंब, तो वी का मान हो जाएगा डी, चूंकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में होता है तो साइन माइनस, एंड यू का मान लिखेंगे तो यू ई हो जाएगा, इसका भी साइन माइनस में हो जाएगा क्योंकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में होता है। तो अगर लिखते हैं यहाँ से तो 1 बाई एफ, एफ जो लिख रहे थे हम लिख रहे थे ई लेंस के लिए, मतलब आई पीस के लिए, तो आई पीस के लिए हम लिख रहे थे 1 बाई एफ के बदले एफ ई, मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई पीस,
आर इक्वल टू वन बाई आर बी के बदले माइनस डी और माइनस माइनस प्लस वन बाई यू ई हो जाएगा। हमको यहाँ से देखो माइनस एफ ओ बाई यू ई है ना, तो इसको आप चाहो तो माइनस एफ ओ और गुने वन बाई यू ई कर सकते हो ना, तो हम लोग को वन बाई यू ई ही निकालना है। तो बोलो इसको उठा के इधर कर लेते हैं, तो इधर बच जाएगा वन बाई यू ई और वन बाई यू ई बराबर वन बाई एफ ई। अब माइनस से उठ के इधर आया तो प्लस वन बाई डी हो गया है। अब इसके बाद का स्टेप समझना, यहाँ पे आप लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि अब देखना कि 1 बाई यू ई जो था इसको इस तरफ लिखे थे तो 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी हुआ। अब 1 बाई यू ई के लिए लिखते हैं तो 1 बाई एफ ई इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो जब कॉमन ले लेंगे, ये वाला थोड़ा सा पढ़ा लगा कुछ लोगों को कि 1 बाई एफ ई को कॉमन ले रहे हैं, तो जहाँ पर 1 बाई एफ ई है वहाँ से निकल के आ गया तो 1 बच गया। अब देखना एफ ई को हम भाग में कॉमन ले रहे हैं ना, तो भाग में कॉमन लेंगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, गुना में आ जाएगा। आपको हम सिखाए हुए हैं कि जो चीज़ गुना में कॉमन लेते हैं नहीं प्रेजेंट रहता है तो भाग में आता है, तो भाग में कॉमन लेंगे नहीं प्रेजेंट रहेगा तो गुना में आ जाएगा। इसी कारण से यहाँ पे हम लोग 1 बाई एफ ई कॉमन लिए तो जहाँ है वहाँ से निकल गया तो 1, और यहाँ नहीं है और हम भाग में कॉमन ले रहे हैं तो ये चीज़ गुना में आ जाएगा। तो यहाँ से 1 बाई यू ई के लिए मिल गया 1 बाई एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाई डी। अब इस मान को हम रखते हैं एम पी में, ये जो फॉर्मूला मिला हुआ था तो एम पी में रखते हैं। तो बताओ यहाँ से माइनस एफ ओ गुने 1 बाई यू ई और 1 बाई यू ई के बदले हो गया 1 बाई एफ ई। ध्यान देना ये स्टेप नहीं किया हुआ है यहाँ डेरिवेशन में और हम आपको अलग से समझा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना 1 बाई एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाई डी करेंगे इसको, या इसको अगर हम लिखना चाहें तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखो ये माइनस रह जाएगा एम पी के लिए, और माइनस एफ ओ गुने एफ ई एफ ओ बाई एफ ई सॉरी एफ ओ बाई एफ ई हो जाएगा ये, और इंटू 1 प्लस एफ ई बाई डी, इसको 1 से गुना कर लीजिए ना तो एफ ओ बाई एफ ई हो जाएगा ये, और इंटू 1 प्लस एफ ई बाई डी। चूंकि एम पी का जो मान था वो माइनस एफ ओ बाई यू ई होता था, माइनस एफ ओ को अलग कर दिया, 1 बाई यू ई का मान यहाँ से निकाल लिया और ये ला करके मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमको मैग्नीफाइंग पावर के लिए फॉर्मूला मिल गया एम पी बराबर माइनस एफ ओ बाई एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाई डी, जहाँ एफ ओ ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस दूरी मतलब अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, एफ ई आई पीस की फोकस दूरी यानी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, 1 कांस्टेंट एफ ई आई लेंस की आई पीस की फोकस दूरी, और डी है स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, और कैपिटल डी का मान 25 सेंटीमीटर याद करवाए हुए हैं। ई फॉर्मूला तब लगेगा जब अंतिम प्रतिबिंब कह दे कि डी पर बने, या स्पष्ट दर्शन के लिए कह दे, या फिर वो स्ट्रेंड आई के लिए कह दे, दबाव युक्त आई के लिए कह दे, स्ट्रेंड आई के लिए, तो आपको इस फॉर्मूला का प्रयोग करना है। एक बार मुझे कंफर्म करो कमेंट में कि क्या सबको क्लियर है यहाँ तक, क्या यस सर कह रहे हैं, नीतीश बोल रहे हैं लड्डू, क्या किस चीज़ का लड्डू है बालक, संगीता लोढ़ी बोल रहे हैं क्या यह ट्वेल्थ का फिजिक्स चल रहा है, जी सर ट्वेल्थ का ही फिजिक्स चल रहा है ये। नीतीश कुमार बोल रहे हैं नो सर, क्या है जो नो आपको आया समझ में बालक। काजल बोले सर लास्ट लाइन एक बार फिर से बताइए, चलिए ठीक है फिर से बता देते हैं, यस सर क्लियर है, लास्ट लाइन को एक बार फिर से बताते हैं। देखो पहले 1 बाई यू ई का मान हम लोगों ने क्या निकाला था कि एम पी बराबर माइनस एफ ओ बाई एफ ई निकाला था, उसमें माइनस एफ ओ को अलग कर देते हैं 1 बाई यू ई को अलग कर लेते हैं, और 1 बाई यू ई का मान अभी हम लोगों ने सॉल्व करके निकाला है कि 1 बाई एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाई डी। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो एफ ओ था माइनस एफ ओ उस माइनस एफ ओ को रहने देते हैं, अब 1 बाई यू ई के बदले ये पूरा मान को उठा के रखते हैं तो 1 बाई एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाई डी हो गया। एफ ओ को इससे गुना कर देते हैं 1 से तो एफ ओ हो जाएगा ऊपर में, तो ऊपर हो गया माइनस साइन के साथ माइनस पहले एफ ओ बाई एफ ई और इंटू 1 प्लस एफ ई बाई डी, ये हम लोग का निकल के आ गया। अब बताओ क्लियर हुआ काजल, फंटूस बोल रहे सर अब काल दिखाई देता है सर जी, अरे हम काले है ये बालक, तुम लोग की तरह फेयर लवली नाम नहीं लगाते तो हम थोड़े काले भी हैं तो चलेगा, हमको कौन सा फिर क्या क्या बुलवा लेगा ऑनलाइन में लाइव में, फिर नहीं बुलवाओ हमसे। मतलब बर्दाश्त से बाहर करवा देता है तुम लोग यार, बताओ काले दिखाई देते हैं सर, गोरे दिखाई देते हैं सर, हद हो गया।
और बोल बोल करके तुम लोग प्रचार कर दो कि सर काले हैं, तो जो बहुत थोड़ा बहुत उम्मीद है वो भी जाएगा। मम्मी पापा बहुत सारा उम्मीद लगा करके बैठे हुए तुम लोग के चक्कर में, वो भी डूबेगा। ब्लैंक चेक को तू लोग ब्लैंक चेक करवा देगा यार, और इससे ज़्यादा बेइज्जती अपनी नहीं कर सकते हैं। चलो वापस आते हैं, अब सब लोग क्लियर है। इसमें हम लोग निकालते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप अगर निकालना होगा तो हम कल बताए थे आपको माइक्रोस्कोप वाला में कि एक लेंस देखो ऑब्जेक्टिव यहाँ है और आईपीस यहाँ है, तो इससे यहाँ तक की जो पूरी दूरी होती है उसी को हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। अभी फिगर बनाए थे, क्या बताए थे कि यहाँ पर बनता है प्रतिबिंब और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहते हैं एफ ओ और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहते हैं यू ई। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी लिखना होगा तो एल बराबर लिखेंगे तो बताओ एफ ओ प्लस यू ई हो जाएगा। तो अगर हमको लेंथ ऑफ टेलीस्कोप निकालना होगा कौन से शर्त के लिए, कि जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने मतलब स्पष्ट दर्शन के लिए, तो उस स्थिति में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हो जाएगा एफ ओ प्लस यू ई। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है फॉर नॉर्मल विजन, हम लोग को आज इसको खत्म करना है यार। नॉर्मल विजन के लिए पढ़ते हैं फॉर नॉर्मल विजन, यानी कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो तो उसको कहते हैं सामान्य दर्शन के लिए। तो सामान्य दर्शन के लिए ना इतना लंबा चौड़ा करने का तो कर दिए हैं, लेकिन मेरे से पूछो ना तो बहुत ही आसान थ्योरी है इसका। क्या है कि एम पी बराबर अभी हम निकाले हुए थे कि माइनस एफ ओ बाई यू ई ना, एक बात हमको बताओ अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर कब बनेगा, जब वस्तु फोकस पर रखा हुआ हो, यानी कि यू ई का जो मान है वो किसके बराबर होना चाहिए, मतलब यू ई हो गया वस्तु की दूरी ई लेंस से, तो ई के फोकस पर रख देंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा ना। पढ़ा हुआ होगा सबका कि अनंत पर वस्तु होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर, तो जब फोकस पर वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। तो इस कारण से हमको यू ई का मान किसके बराबर मिल जाएगा, एफ ई के मान के बराबर मिल जाएगा। तो बता एम पी बराबर अब लिखेंगे तो माइनस एफ ओ और यू ई का मान एफ ई के बराबर, तो एफ ओ बाई एफ ई हो गया। तो हमारे पास ना यही मेथड है कि हम दो लाइन में करके निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा नौटंकी करना चाहिए क्योंकि लेंथ लंबा लगे तो अच्छा लगेगा आप लोग को भी। तो देखो यहाँ लंबा करके दिखाते हैं कि 1 बाई एफ बराबर 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू होता है। लेते हैं यहाँ प्रतिबिंब अनंत पर बनना चाहिए, मतलब बी का मान अनंत होना चाहिए और यू का मान यू ई और माइनस में होना चाहिए। तो यहाँ करते हैं तो 1 बाई एफ ई बराबर, चूंकि एफ के मान को हम आई पीस वाला लेंस के लिए लिख रहे हैं, दो लेंस होता है तो आई पीस वाले लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं अंतिम प्रतिबिंब बनवाने के लिए। तो 1 बाई एफ ई हो जाएगा, ई हो जाएगा 1 बाई बी के बदले इन्फिनाइट और माइनस इसका प्लस हो जाएगा, और 1 बाई यू के बदले माइनस यू ई रखा था तो माइनस माइनस प्लस हो गया और यू ई हो गया यहाँ पर। अब बताओ 1 बाई इन्फिनाइट तो जीरो, तो 1 बाई एफ ई का मान हो जाएगा 1 बाई यू ई, या यहाँ से हम उल्टा कर लेते हैं तो 1 बाई यू ई का मान क्या, देखो पोस्टिकर भेज रहा है टेलीग्राम पर, हद हो गया। तो यहाँ से 1 बाई एफ ई का मान 1 बाई यू ई हो गया, या 1 बाई यू ई के मान को लिखते हैं तो 1 बाई एफ ई हो जाएगा। इसी मान को उठा करके हम रख देते हैं, हम क्या बोले थे कि 1 बाई यू ई का मान एफ ई के बराबर होता है। देखो ना यू ई का मान एफ ई के बराबर निकल के आ गया ना। अब यहाँ जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए थे कि एम पी का मान माइनस एफ ओ बाई यू ई होता है, एफ ओ को हम रहने देते हैं माइनस में और यू ई का जो मान है वो भी निकल के आ रहा है एफ ई के बराबर, तो इस कारण से यहाँ रख देते हैं एफ ई। तो एम पी का मान हम लोग को मिल जाएगा माइनस साइन के साथ एफ ओ बाई एफ ई। माइनस साइन का कल भी कथा बताए थे, आज भी वही है कि अंतिम प्रतिबिंब ना उल्टा बनता है तो उल्टा के लिए ही हम लोग को साइन माइनस में मिलता है, जब प्रतिबिंब सीधा बनने लगेगा तो प्लस में मिलना शुरू हो जाएगा। इसी कारण से माइनस का ना कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना, वो अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनता है इसके लिए। अच्छा, इस कंडीशन में अगर हम लोग को निकालना है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप मतलब सुंदरसी की लंबाई, सुंदरसी की लंबाई लिखेंगे तो एफ ओ प्लस यू ई लिख रहे थे पहले और यू ई का मान अभी बताए कि एफ ई के मान के बराबर होगा, तो मोटा मोटी एल के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा एफ ओ प्लस एफ ई। ये दोनों फॉर्मूला ना बहुत काम का है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने यानी सामान्य दर्शन के लिए हम लेते हैं तो एम पी का मान माइनस एफ ओ बाई एफ ई और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप लिखेंगे तो ये एल बराबर एफ ओ प्लस एफ ई हो जाएगा, और ये दोनों फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, तो एक बार कमेंट करके हमको बताना, तो क्या यहाँ तक सभी लोग को क्लियर है, समझ में आया? यस सर। हमारे पास ना फालतू वाला बकवास का कोई जगह नहीं, पढ़ने का मन करे पढ़िए, नहीं पढ़ने का मन करे सीधे बढ़िए।
और जहाँ फालतू का मैसेज करिएगा तो हम परमानेंटली ब्लॉक कर देंगे। हमको ना कम सब्सक्राइबर चाहिए, हम बढ़िया से पढ़ा देंगे खाली। स्नेहा कुमारी बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मी सर यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ इंडिया। क्या बात है, थैंक यू सो मच बालक। अभी कौन लड़का बोल रहा था कि सर आप काले दिखते हैं? सोचो यार, कोई हमको अगर ये कहे कि अकॉर्डिंग टू मी आप बेस्ट टीचर हो इंडिया के, कितना खुशी मिलता है। तू काला कलूटा बोल रहा था, अगले जन्म तक तुम काला रहे सर। आप सॉटरी गैट गुड, थैंक यू सो मच परी त्रिशा परी। चलिए यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है, वो मजाक कर रहे थे काला नहीं रहेगा, तुम लोग का बाल बच्चा बहुत गोरा होगा। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल पे, जरा हम साफ कर लेते हैं बोर्ड को। और आपके पास ये न्यूमेरिकल है, जरा एक बार ध्यान दे करके इसको पढ़िए तो, और देखिए तो कि न्यूमेरिकल समझ में आया था कि नहीं आया था। ऐसे हमको नहीं लगता कि इसमें कुछ ना समझने जैसा था, बिल्कुल क्लियर होगा ये। अगर पढ़ाते टाइम किसी का कमेंट नहीं पढ़ पाते हैं तो उसका अफसोस मत करिएगा, क्योंकि होता क्या है ना कि या कुछ पूछे हों और ना पढ़ पाए हों तो इसको लेके बुरा फील करने जैसा कुछ नहीं है यार। हम अपना काम पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और पूरी भक्ति से कर रहे हैं, फिर भी अगर कहीं कुछ कमी रह जाए तो उसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। आराम से पढ़िए, सब लोग को हंसी आ रहा है, अच्छा इसका मतलब क्या है कि हम कॉमेडी कर रहे थे, चलो अच्छी बात है कि हम ना ऑनलाइन ऑफलाइन सब में ढंग से पढ़ा सकते हैं और हमको पता है कि हमको कैसे पढ़ाना है, तो हम कोशिश करते हैं कि ढंग से पढ़ाएं, पूरे फॉर्म में पढ़ाएं और एकदम वैसा ही आपको फील हो जैसे आप क्लास में फील करते थे, कि थोड़ी बेइज्जती भी होगी, थोड़ा हंसी मजाक भी होगा, थोड़ा इंटरटेनमेंट भी होगा, अब पढ़ाई पूरा होगा वो थोड़ा नया होगा। चलो आते हैं इस पे। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू थिन लेंसेज 36 सेंटीमीटर अपार्ट एंड हैज अ मैग्नीफाइंग पावर 8, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज। कह रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी में दो लेंस 36 सेंटीमीटर की दूरी पर है और आवर्धन क्षमता 8 है, लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात करें। देखो सॉल्यूशन कैसे किया हुआ है कि मैग्नीफाइंग पावर 8 दिया हुआ है, लेंसों के बीच की दूरी 36 दिया हुआ है, मतलब एल का मान 36 है, तो एफ ओ और एफ ई आपको निकालने के लिए कह रहा है। देखना यहाँ कि एम पी बराबर हम लोग पढ़े हुए हैं एफ ओ बाई एफ ई, एम पी का मान 8 दिया था तो 8 रखते हैं यहाँ पर से, इसको ला के मल्टीप्लाई तो हो जाएगा एफ ओ बाई एफ ई, इसको ला के मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एफ ओ बराबर हो जाएगा 8 एफ ई। अब यहाँ से लिखते हैं, यहाँ पे कुछ लोग ना साइंटिस्ट बनेंगे कि सर एम पी बराबर तो अभी आप पढ़ाए थे कि माइनस एफ ओ बाई एफ ई होता है, तो माइनस कहाँ चला गया? तो माइनस गया वया कहीं नहीं, सिंपल सी बात यह है कि हमको ना इसके मैग्नीफाइंग पावर दिए होने से, मतलब ये फॉर्मूला में माइनस होने से सिर्फ इतना पता चलता है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। अब उल्टा बने या सीधा बने यार, हमको कौन सा उससे लेना देना है, हम लोगों को तो केवल फोकस दूरी निकालना है, इसी कारण से ना हम लोग माइनस साइन यहाँ छोड़ दिए। अगर बहुत मन करे तो आप लेने का ले सकते हो, तो आपको यहाँ पर माइनस में मिल जाएगा ये, अब माइनस में मिलेगा तो एल का मानना आपको मॉड में करके लेना पड़ेगा, तो वही लफड़ा खाली हो जाएगा। लेकिन इस कारण से हमको चूंकि प्रतिबिंब सीधा उल्टा का कोई मतलब नहीं होता, इस कारण से हम लोग प्लस में भी ले लें तो काम चल जाएगा। तब देखो यहाँ पर से एल का मान लिखते हैं, अनंत पर प्रतिबिंब बन रहा था तो एल बराबर एफ ओ प्लस एफ ई, एफ ओ का मान अभी निकाले 8 एफ ई, तो ये 8 एफ ई हो जाएगा, ई एफ ई हो जाएगा, एल का मान 36 दिया हुआ है, रख के सॉल्व करते हैं तो 36 बराबर हो जाएगा 9 एफ ई, या एफ ई बराबर लिखते हैं, देखो यहाँ से जोड़ देंगे दोनों को, तो 8 एक 9 तो 9 एफ ई हो जाएगा 36 के लिए, तो एफ ई के लिए लिखेंगे तो 9 को लाके डिवाइड करते हैं तो 9 फोर 36 होता है, तो एफ ई का मान हम लोग को निकल के आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। जब एफ ई निकल के आ गया तो अब हम एफ ओ के मान को निकाल लेते हैं, तो एफ ओ का मान अभी इससे पहले लिखे हुए थे जहाँ पे कि एफ ओ बराबर था 8 एफ ई, तो 8 ये हो गया, एफ ई का मान 4, तो 8 फोर जा 32, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो 8 फोर जा 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बताना क्या न्यूमेरिकल ये क्लियर हुआ सब लोग को, क्योंकि नोट्स में तो ऑलरेडी आपको बोला भेजा हुआ है। चलिए सब लोग को उम्मीद करते हैं कि ये क्लियर ही होगा। क्वेश्चन टाइप करने से पहले आंसर मिल जाता है, क्या बात है, सॉरी टाइप, सारा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। यस सर क्लियर है, खुशी, सुन्नी, बिट्टू, मोहित, लक्ष्मण, प्रियांशु आज डांस कर रहा है जी, प्रियांशु मयंक बोल रहे हैं क्रिस्टल क्लियर है, यस सर बट मेरा बैटरी डिस्चार्ज हो गया, दीक्षा गुप्ता, तो चार्ज में लगा लो ना बालक, आपको कौन सा दिक्कत है? अभी क्योंकि कम से कम 15 मिनट और क्लास चलने वाला है
और हम ये सलाह देंगे आपको, बहुत सारे लोग को देखते क्या है कि क्लास ना बीच में छोड़ के चले जाते हैं कि बाद में देख लेंगे। अगर बाद में देख लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नहीं देखते हैं तो ये बहुत बुरा है। हम भी तो क्लास बंद कर सकते थे, अभी हम भी थक जाते हैं भाई कंटिन्यू बोलने में। अगर बिलीव ना हो तो आप आकर के ऑफलाइन यहाँ बैठ करके देखो, या जो बैठे होंगे कभी ऑफलाइन में उन्होंने देखा होगा कि जब हम ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं तो ऑफलाइन से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है कंटिन्यूटी मेंटेन के लिए। जब आप बोलते हो ना कि इंडिया के आप बेस्ट टीचर हो इंडिया के, और या हमारे लाइफ के लिए सबसे बेस्ट टीचर हो, तो हमको लगता है कि हमको और बेस्ट बनना चाहिए, तो बहुत एनर्जी लगती है यार। इस कारण से कोशिश ये करिए कि पावर बैंक वगैरह लगा करके लेकर के बैठिए ना, आप लोग का फ़ोन चलेगा, हैंग वैंग नहीं करेगा, ठीक है। तो कोशिश करिए कि जो पढ़ा रहे हैं लाइव उसी टाइम में पढ़ें, ज़्यादा बेटर हो। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा होता है जिसके वजह से एकदम नहीं पढ़ पाते आप, तो फिर आप भले ही बाद में आकर के देख सकते हो वीडियो को, लेकिन बेटर है कि लाइव ले रहे हैं तो लाइव ही पढ़िए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। यस सर क्लियर है, ऑप्टिक्स फास्ट रिवीजन, अच्छा आएगा रिवीजन वो, और रिवीजन बहुत ही शानदार हम PPT से करवाने वाले हैं पूरे ऑप्टिक्स का। अभी फिलहाल जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको करने दीजिए, वरना लेट हो जाएगा। इसमें टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का हिंदी होता है पार्थिव दूरदर्शी, पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि रिफ्रैक्टिंग दो टाइप का, एक एस्ट्रोनॉमिकल दूसरा टेरेस्ट्रियल। एस्ट्रोनॉमिकल पूरा पढ़ लिए, न्यूमेरिकल तक क्लियर हो गया, वैसा ही न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारे टाइप होते हैं वो आपके बुकलेट में ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप पार्थिव दूरदर्शी, डेफिनेशन देख लो इसका कि द टेलीस्कोप विच इज यूज टू ऑब्जर्व द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ क्लियरली इज नोन एज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। मतलब वह दूरदर्शी जिसका प्रयोग पृथ्वी पर की बहुत दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में किया जाता है उसे पार्थिव दूरदर्शी कहा जाता है। मतलब एस्ट्रोनॉमिकल का प्रयोग करते थे हेवनली बॉडीज को क्लियरली देखने के लिए, अंतरिक्ष के पिंडों को, और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं पृथ्वी पर के बहुत दूर की वस्तुओं को क्लियरली देखने के लिए। यही दोनों में मेजर डिफरेंस होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है, क्या फालतू का नोटिफिकेशन आते रहता है, इसका कंस्ट्रक्शन। अब देखो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 कॉन्वेक्स लेंसेज, इसमें 3 कॉन्वेक्स लेंसेज होता है और इसमें भी एक्रोमेटिक लेंस ही होता है ताकि कलरफुल ना बने, वो क्लियर क्रिस्टल क्लियर हो, इस कारण से क्रोमेटिक कॉन्वेक्स लेंस यहाँ भी होता है। द लेंस टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, द लेंस टुवर्ड्स द आई इज कॉल्ड आई पीस, एंड द लेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड फील्ड लेंस और इरेक्टिंग लेंस। द फाइनल इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। होता क्या है इसमें, इसमें 3 उत्तल लेंस होता है, वस्तु की ओर का लेंस को अभिदृश्यक कहते हैं, आँख की ओर के लेंस को अभिनेत्र कहते हैं, ध्यान रखना ये बात का, अभिदृश्यक बड़ा रहेगा अभिनेत्र छोटा रहेगा, वो पहले जैसे था वैसे ही है। बस इसमें एक और ये है कि तथा दोनों के बीच के लेंस को अभिक्षेत्र लेंस कहते हैं, और ई दोनों से भी छोटा होता है बीच में एक और लेंस, उसको कहते हैं अभिक्षेत्र लेंस, मतलब फील्ड लेंस कहते हैं उसको। अंतिम प्रतिबिंब जो इसमें होता है वो आभासी सीधा और आवर्धित होता है। जरा सा समझो इसको कि जरूरत इसका क्यों पड़ता है। हम लोग अगर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं तो वो हेवनली बॉडीज को देखने के लिए। अब हेवनली बॉडीज के साथ खासियत क्या है कि वो गोल होता है, तो गोल में सीधा बने या उल्टा बने कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का हम प्रयोग करते हैं पृथ्वी पर के बहुत दूर की वस्तु को देखने के लिए। अब सोचो कि पृथ्वी पर के बहुत दूर की वस्तु को आप देख रहे हैं, उसका प्रतिबिंब उल्टा बने, मतलब मान लो आम का पेड़ देख रहे हो आप, तो आम ना आपको ऊपर की तरफ लटका हुआ दिखेगा एंटी ग्रेविटी, तो कितना अजीब तरह का लगेगा ना। कोई दूर से आने वाला आदमी को आप देख रहे हो टेलीस्कोप लगा करके, तो उसका ना पैर ऊपर है जमीन ऊपर दिखेगा, पैर ऊपर सर नीचे, और चलते हुए ऐसे करके आ रहा है, देख करके आप ही पगला जाइए कैसे कैसे हो। तो इस कारण से जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में एक छोटी सी खामी थी कि उसमें बनने वाला प्रतिबिंब जो था वो उल्टा था, बड़ा तो था लेकिन उल्टा था। तो इसमें हम क्या करते हैं कि उसी को केवल सीधा कर लेते हैं, बाकी सारा काम लगभग सेम होता है। और सीधा होता कैसे है, तो ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच में एक और लेंस को डाल देते हैं, और वो होता है दोनों से भी छोटा, और उसको कहते हैं अभिक्षेत्र लेंस, फील्ड लेंस, और वो ना प्रतिबिंब को, उल्टे प्रतिबिंब को सीधा कर देता है, अब बाकी सारा काम वैसे ही होता है। कैसे होता है वो फिगर में देखो और क्लियर हो जाएगा। देखिए ये है फिगर इसका, और उम्मीद करते हैं कि फिगर सबको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इससे लाइट चल करके यहाँ आया, इसके बाद देखो बीचे में एक फील्ड लेंस है, एफ लिखा हुआ मतलब फील्ड लेंस, और इसको अभिक्षेत्र लेंस कहते हैं। ये केवल प्रतिबिंब को उल्टा करता है। मेरे फिगर में हो सकता है कि ये थोड़ा छोटा ही थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन बड़ा छोटा नहीं होता, ये मैग्नीफिकेशन तो करता ही नहीं,
ये केवल प्रतिबिंब को उल्टे को सीधा कर देता है। उसके बाद ये जो लेंस होता है आँख की तरफ वाला, यहाँ पर हमारा आँख है, आँख लगता है बनाना भूल गए हम, तो यहाँ पर आँख है, तो इससे ना हम लोग अंतिम प्रतिबिंब देखते हैं। तो अंतिम प्रतिबिंब देखते हैं तो हमारा देखो ई ओ लेंस जो है ऑब्जेक्टिव और आई पीस ठीक वैसे ही काम करता है जैसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में कर रहा था, बस खाली बीच में एक फील्ड लेंस है और वो प्रतिबिंब को उल्टा कर देता है। तो यहाँ वस्तु अनंत पर होती है तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो देखो इस लेंस के ओ लेंस के फोकस पर बनेगा, तो इसको एफ ओ कहते हैं। हमको बीच वाला लेंस से केवल प्रतिबिंब को उल्टा करवाना है, वह प्रतिबिंब उतने ही बड़ा होना चाहिए, तो इस कारण से हम लोग रखते हैं इसके सी पर, एफ लेंस के सी पर। सी का दूरी 2f होता है, तो 2f सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब सी पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो यही इधर वाला प्रतिबिंब को जो उल्टा था उसको सीधा कर दिया, तो 2f पर अगर वस्तु को रखते हैं एफ लेंस के लिए तो इसका प्रतिबिंब भी 2f पर बनता है। और ई जो प्रतिबिंब बना है उसके सामने ई लेंस को इस तरीके से सेट करते हैं कि इसके फोकस पर रहे, तो जब फोकस पर ये प्रतिबिंब रहेगा ए डबल डैश बी डबल डैश, तो इसका अंतिम प्रतिबिंब जाकर के अनंत पर बन जाएगा और ये प्रतिबिंब बहुत ही विशाल बनता है, जिससे कि हम लोग को आभासी सीधा और बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ये होता है, एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या सब लोग को समझ में आया, क्लियर है ये। बिट्टू बोल रहे हैं सर लिखा दीजिए, नोट्स ऑलरेडी दिया हुआ है बालक, तुम कौन से ग्रह पे हो, बाकी सब के ग्रह पर वाले जो हैं उनको तो पहले से दिया हुआ है। MBBS रानी बोल रहे हैं 5 से 6 बायो का क्लास रहता है सर, तो जाइए ना सर आप बायो का क्लास ही करिए ना, यहाँ क्या कर रहे हैं। यस सर ऑल क्लियर, सुनिधि बोल रहे हैं यस सर क्लियर है। जिनका जो जो फरमाइश अगर कोई करते हैं ना, इतना मेहनत करके हम पढ़ा रहे हैं और ऊपर से कोई फरमाइश करते हैं ना, तो बड़ा गुस्सा आता है यार। जिनका जो जो बीमारी है सब ठीक करके बैठा करो हमारे क्लास में। अब देखो यहाँ पर भी मैग्नीफाइंग पावर मतलब MP को निकालना है, या इसी को एंगुलर मैग्नीफिकेशन कहते हैं हिंदी में अगर कहेंगे तो, आवर्धन क्षमता कहते हैं MP, या कोणीय आवर्धन होता क्या है इसमें कि हेयर फाइनल इमेज इज इरेक्ट एंड फॉर्म्ड एट इनफिनाइट। यहाँ जो हो रहा है कि अंतिम प्रतिबिंब, यहाँ अंतिम प्रतिबिंब सीधा होता है तथा अनंत पर बनता है, तो अनंत पर बनता है का मतलब नॉर्मल विजन, और नॉर्मल विजन के लिए हम लोग फॉर्मूला निकाले हुए थे इससे पहले जब पढ़ रहे थे तब, कि MP बराबर होता है FO बाई FE, लेकिन उसमें साइन आ रहा था माइनस, माइनस इसलिए था क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में प्रतिबिंब उल्टा बन रहा था, यहाँ हम लोग को प्रतिबिंब सीधा बनता है, जब प्रतिबिंब सीधा बनता है तो खाली माइनस को हटा दें तो MP बराबर फॉर्मूला हो जाएगा FO बाई FE, यहाँ हमको डेरिवेशन करने का जरूरत नहीं और ना आपको जरूरत पड़ेगा, 2 नंबर का इसमें पूछवे करता है, ये जनरली नहीं ही पूछता है, तो इसमें डेरिवेशन आपको करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस आपको ध्यान रखना है कि अंतिम प्रतिबिंब सीधा बनता है तो इसका और अनंत पर बनता है इसलिए FO बाई FE होगा और इसमें प्लस हो जाता है, माइनस नहीं रहता है। उसके बाद फिर देखना यहाँ कि एक नोट यहाँ लिखा हुआ है कि फील्ड लेंस जस्ट इन्वर्टेड द इमेज इट डज नॉट प्रोड्यूस द एनी मैग्निफिकेशन, मतलब अभी क्षेत्र लेंस जो बीच में लगा हुआ था वो केवल प्रतिबिंब को उल्टा करने का काम करता है, वो किसी प्रकार का आवर्धन उत्पन्न नहीं करता है, तो आवर्धन उत्पन्न कर भी नहीं करता है, तो जो फॉर्मूला हमारा पहले था वो वही सेम फॉर्मूला रह जाता है इसमें। आगे हमको अगर लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप लिखना होगा तो मतलब पार्थिव दूरदर्शी की लंबाई लिखना है, लेंथ ऑफ द टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, तो देखो यहाँ फिगर में जो फिगर हमारा था किसका, अगर लेंथ को हम देखते हैं तो यहाँ से इस लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से लेकर के और आई पीस तक का टोटल जो लेंथ होगा उसको लिखना होगा, तो देखो तो यहाँ से यहाँ तक FO, यहाँ से यहाँ तक 2F, यहाँ से यहाँ तक 2F, तो कुल मिला के 4F और प्लस यहाँ हो जाएगा FE, यानी कि लिखेंगे L बराबर तो FO प्लस 4F और प्लस FE हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव से लेकर के आई पीस तक के डिस्टेंस को ही हम लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कहते हैं, इस कारण से ये FO प्लस 4F और प्लस FE हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ कि L बराबर अगर लिखें तो FO प्लस 4F और प्लस FE होता है, जो हम निकाले थे वही देखो यहाँ लिखा हुआ है। आगे इसमें हम लोग को पढ़ना है करेक्टरिस्टिक ऑफ टेलीस्कोप, अरे कहाँ चला गया, कैरेक्टरिस्टिक इसका देखना है हम लोग को, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेलीस्कोप कि क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मतलब गुण क्या क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहला गुण होता है हाई मैग्नीफाइंग पावर, कि किसी अच्छे टेलीस्कोप के गुण को अगर पूछा जाए तो सबसे पहला गुण होता है
इसका हाई मैग्नीफाइंग पावर यानी उच्च आवर्धन क्षमता, दूसरा होता है हाई रिजॉल्विंग पावर मतलब उच्च विभेदन क्षमता। मैग्नीफाइंग पावर तो समझ में आ रहा होगा कि इतनी छोटी वस्तु का इतना बड़ा प्रतिबिंब करके दिखा दे तो ये कहलाएंगे हाई मैग्नीफाइंग पावर। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है कि एक वस्तु मान लो यहाँ है, दूसरी वस्तु यहाँ है, तो दोनों अगर निकट में रखी हुई है तो दो में से किसी एक को स्पष्ट देखने की क्षमता को रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। जैसे मान लो कि अगर अभी हम यहाँ पर हाथ को रखते हैं दोनों को, तो आपको अगर कहे कि दो में से किसी एक हाथ पर ध्यान दो, सामने अगर होते ऑफलाइन में तो ज़्यादा बेटर समझ में आता, या ऑफलाइन में हम एक बार फिर से आपको रिजोल्यूशन समझा देंगे तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट है तो दो में से किसी एक को स्पष्ट देखना हो और दूसरे को क्लियर ना देखना हो तो ये जो क्षमता होती है उसी को कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। तो इसमें अच्छे दूरदर्शी में रिजॉल्विंग पावर को भी हाई होना चाहिए यानी उच्च विभेदन क्षमता होना चाहिए, साथ ही साथ हाई लाइट गैदरिंग पावर भी होना चाहिए, LGP भी हाई होना चाहिए मतलब उच्च प्रकाश एकत्रण क्षमता होनी चाहिए। मतलब दूर से जो लाइट आ रहा है वो जितना ज़्यादा गैदर किया जाएगा, जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्टिव में आप इतना थोड़ा लेंस को प्रयोग करते हैं, दूसरे किसी दूरदर्शी में इतना बड़ा लेंस प्रयोग किया हुआ है, तो ये यहाँ से यहाँ तक के भाग के लाइट को ही ऑब्जर्व कर पाएगा ना, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक के भाग को ऑब्जर्व कर पाएगा लाइट को यानी कि गैदर कर पाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी लाइट गैदरिंग पावर कम है और इसका लाइट गैदरिंग पावर ज़्यादा है। तो इसमें तीन प्रॉपर्टी होता है कि इसका मैग्नीफाइंग पावर हाई होना चाहिए, रिजॉल्विंग पावर हाई होना चाहिए और लाइट गैदरिंग पावर को भी हाई होना चाहिए। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी अच्छे दूरदर्शी के लिए। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है लिमिटेशंस ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, मतलब इसके क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं, मतलब वो तो हो गया ठीक है कि इसमें क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, अब है कि कहाँ कहाँ ये फेल करता है, कहाँ कहाँ इसमें दिक्कत होता है ये आपसे पूछता है। तो ध्यान रखना 2 मार्क्स का आपसे पूछेगा कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के लिमिटेशंस को लिखें, राइट द लिमिटेशंस ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, तो आपको यही दोनों लाइन को लिखना है। इसमें सबसे पहला है कि इट सफर फ्रॉम स्फेरिकल एंड क्रोमेटिक एब्रेशन सो द फाइनल इमेज इज कलर्ड एंड ब्लर्ड, मतलब कि इसमें गोलीय तथा वर्णीय विपथन होता है इसलिए अंतिम प्रतिबिंब रंगीन तथा धुंधला प्राप्त होता है। मतलब अंतिम प्रतिबिंब जो होता है, चूँकि कितनों कुछ कर ले हम, कुछ ना कुछ क्रोमेटिक और स्फेरिकल एब्रेशन रह ही जाता है, उसको कम्प्लीटली ख़त्म नहीं किया जा सकता है, तो इस कारण से जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो कलर्ड होता है और ब्लर्ड होता है यानी कि धुंधला थोड़ा होता है और रंगीन बनता है, तो ये इसका एक सबसे बड़ा डिफेक्ट हो गया या लिमिटेशन हो गया। दूसरा हो गया कि ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ वेरी हाई अपर्चर आर वेरी डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर एंड यूज, मतलब बहुत बड़े द्वारक के अभिदृश्यक लेंस का निर्माण एवं प्रयोग करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मान लो कि आपको छोटा सा लेंस अगर बनाना है तो आराम से बना लीजिएगा, कहीं भी रख लीजिएगा, एकदम बहुत बड़ा लेंस बनाना, इतना बड़ा लेंस बनाना है तो बताओ इतना बड़ा लेंस को कैसे रखोगे, लेंस रहेगा उत्तल तो किनारे रहेंगे पतले, आप रखिएगा बेचारा खुद ही के वजन से टूट जाएगा, थोड़ा मुश्किल होगा इसको। इस कारण से हम लोग जो लेंस का निर्माण करते हैं ना उसका अपर्चर मतलब साइज जो है एक लिमिट तक ही बड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ा बनाने का तो बना देंगे लेकिन उसको रखेंगे कैसे, तो वो यूज ही नहीं कर पाएंगे। इस कारण से बनाना भी मुश्किल, यूज़ करना भी मुश्किल होता है, इस कारण से इसका अपर्चर भी लिमिटेड होता है। और जब अपर्चर जो है वो लिमिटेड रहेगा इसका मतलब लाइट गैदरिंग पावर भी लिमिटेड रहेगा, और जब लाइट गैदरिंग पावर लिमिटेड रहेगा तो बहुत दूर की वस्तु को हम लोग इससे बहुत स्पष्ट नहीं देख पाते, तो ये सब लिमिटेशन हो गया रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का। एक बार मुझे पहले यहाँ तक कन्फर्म करना कि क्या यहाँ तक सभी लोग को क्लियर है। नीतीश कुमार चाय भेज रहे हैं, सत्यम बोल रहे रहने दीजिए, रहने देने जैसा तो कुछ नहीं होना हो सकता है बालक। अमीषा चौहान बोल रहे हैं सर वे ऑफ योर टीचिंग स्टाइल इज फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच बालक। गुरु चेला बोल रहे हैं सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं, थैंक्स सर जी। तो तू गुरु है या चेला है यार, पर ये क्लियर कर लो। यस सर क्लियर है, चलिए जब क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे। ये हमारा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप वाला मामला पूरा हो गया क्लियर, मतलब रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में हम लोग को 2 टाइप का पढ़ना था, एक था एस्ट्रोनॉमिकल और दूसरा था टेरेस्ट्रियल, काम हमारा उसमें ख़त्म हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप मतलब परावर्तक दूरदर्शी। तब परावर्तक दूरदर्शी में क्या होता है कि परावर्तक वाले में दर्पण से परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, बताए हुए शुरू में ही इंट्रोडक्शन में ही, और ये 2 टाइप का होता है, एक कैसेग्रेन और दूसरा न्यूटोनियन।
तो हम लोग पहले कैसेग्रहण को पढ़ेंगे, छोटा है ये, न्यूटोनियन भी छोटा है, फिर दोनों का डिफरेंस पढ़ के हमारा कहानी कहानी नहीं क्लास खत्म हो जाएगा। पहला है कैसेग्रहण, देखना है इसमें कि इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर विद अ सर्कुलर होल एज ऑब्जेक्टिव, अ स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, द फाइनल इमेज इज ऑब्जर्व्ड थ्रू द थ्रू एन आईपीस प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द होल ऑफ द ऑब्जेक्टिव। हिंदी में कि इसमें अभिदृश्य के रूप में बड़े द्वारक का अवतल दर्पण होता है, पहले हम उत्तल लेंस ले रहे थे और इसमें अवतल दर्पण होता है जिसके केंद्र में एक छिद्र होता है, मतलब केंद्र में होल होता है, दिखाते कैसा होता है, और एक छोटा उत्तल लेंस अभिदृश्य के सामने रखा जाता है, उसी होल के ठीक सामने रखा जाता है, अंतिम प्रतिबिंब अभिदृश्य के छेद के सामने अभिनेत्र द्वारा देखा जाता है। कैसे ये बनता है उसको देखिएगा कि ये ऐसा होता है, इसको ना हमको दूसरे तरीके से दिखाना चाहिए, ज़्यादा बेटर होगा वरना समझ में आपको नहीं आएगा। ये बता चुके हैं, ये भी बता चुके हैं, ये देखना इसमें क्या होता है, ये वाला उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। हाँ, मेरे पास तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है, आप लोगों को भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा कि कैसा होता है। देखो ई वाला एक होता है उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस में जो है यहाँ देखो बीच में एक छेद किया हुआ होता है और इधर से साइड से इसमें लगा हुआ होता है, कवरिंग किया हुआ होता है, इसके सामने एक उत्तल दर्पण लगा होता है और इसमें लाइट देखो इधर से आ रही है ऐसे, तो ऐसे आ रही है तो इसमें लाइट जो है रिफ्लेक्ट करेगा इस दर्पण से और रिफ्लेक्ट करके देखो आता है यहाँ। अगर ये दर्पण ना होता, देखो यहाँ पर हम एफ मिटा तो नहीं सकते इसको, इसको आप ऐसे समझना कि यहाँ पर एफ ओ है, ओ लेंस का फोकस दूरी है, इमेज ना ऐसे था, इसको लंबा करने के लिए इसे उल्टा कर दिए, तो एफ ओ यहाँ पे होगा, तो अगर ये वाला दर्पण ना होता, उत्तल दर्पण ना होता तो यहाँ आके मिल जाता, लेकिन यहाँ फिर से एक उत्तल दर्पण लगा दिया तो ये लाइट को अब इधर रिफ्लेक्ट कर देगा और ये लाइट को इधर रिफ्लेक्ट कर देगा। अब यहाँ पर जो है हम लोग अभिदृश्यक जो बनाते हैं, एक लेंस है उसको दो पार्ट में करके और आधा जो है प्लेनो कॉन्वेक्स इधर से, आधा प्लेनो कॉन्वेक्स इधर से लगा देते हैं जिससे कि लाइट हम लोग को पैरल होकर के चले आए। तो इस प्रकार से हम लोग जो अनंत पर की वस्तु होती है, चूँकि इसमें रिफ्लेक्शन होता है और इसको हम लोग बहुत बड़ा आकार का बना सकते हैं, तो ढेर सारा लाइट इसमें ऑब्जर्व गैदर कर सकते हैं, तो इस कारण से ये रिफ्लेक्टिंग टाइप का टेलीस्कोप होता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर एफ ओ है और यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट पी मान लेते हैं, यहाँ पर वाला जो है वो पॉइंट पी है, आप हमको बताओ कि इसमें जो हम आँख से देखेंगे, तो आँख से देखेंगे तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पी पर बनेगा कि एफ ओ पर बनेगा, जरा कमेंट करके बताइए तो सब लोग कि जो अंतिम प्रतिबिंब इसमें होगा वो कहाँ बनेगा, पी जो लिखे हो तो शायद दिख भी नहीं रहा होगा आप लोग को कि बीच वाला पॉइंट जो है ना, यहाँ पर का पॉइंट, यहाँ जो मेरा हाथ रख रहे हैं यहाँ पर का पॉइंट पी है और यहाँ पर का पॉइंट एफ ओ है, तो आप मुझे बताओ कि अंतिम प्रतिबिंब जो ये आँख से हम देखेंगे तो पी पर बनेगा कि एफ ओ पर बनेगा, कहाँ बनेगा। यस सर, क्लियर है, कौन फालतू का बकवास कर रहा है यार, क्या जरूरत है फालतू का बकवास करने का। यहाँ किंग डायनेमो बोल रहे हैं एफ ओ, और कुछ लोग बोल रहे हैं पी, एफ ओ पर, पी पर, मतलब लड़ जाओ सब मिलकर के, रुपेश बोल रहे हैं पी पर। आप लोग ना उल्लू हो और हमेशा उल्लू ही रहोगे, इसलिए उल्लू रहोगे क्योंकि आप लोग से गलती करवाना ना मेरे बाएं हाथ के छोटी उंगली का खेल है, बड़ा वो काम भी नहीं है, ना तो पी पर बनेगा और ना ही एफ ओ पर बनेगा। कदम यहाँ देखो अंतिम जो प्रकाश है वो तो पैरेलल आ रहा है ना, जब पैरेलल लाइट रे आवेगा तो ये तो अप्रतिम जाकर के अनंत पर ना बनावेगा, वो काय को बनावेगा एफ ओ पर, काय को बनावेगा पी पर, ना पी पर बनेगा ना एफ ओ पर बनेगा, इसमें अंतिम प्रतिबिंब जो बनता है वो अनंत पर बनता है। क्या ये बात समझ में आया सबको कि यहाँ पे जो देख रहे हैं आप कि दोनों लाइन जो आँख के पास पहुँच रहा है लाइट रे, ये दोनों पैरेलल है तो पैरेलल बीम जाकर के मिलेगा इन्फिनाइट पर, इस कारण से हम लोग को अंतिम प्रतिबिंब जो है वो इन्फिनाइट पर बनेगा, एफ ओ पर नहीं बनेगा और ना ही पी पर बनेगा। फंस गए ना सब लोग जी, यही हमारी खासियत है कि हम चाहें तो आपसे तो गलती करवाइए लेंगे। चलिए वापस आते हैं यहाँ जो पढ़ा रहे थे उस पर, कितना मेहनत करते हैं यार आप लोग के लिए बताओ, कि स्लाइड अलग बनाए हैं, ये अलग बनाए हैं। अब देखो यहाँ कि जब ऐसा है कि एफ ओ और पी पर नहीं बनेगा, ये सब खेला ख़त्म हो गया, तो अब देखो इसके लिए हम लोग करते हैं मैग्नीफाइंग पावर।
तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, हम लोग इससे पहले ही पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो दूरदर्शी के लिए मैग्नीफाइंग पावर होता है एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ ई, तो एफ ओ बाई एफ ई ही होगा, अंतिम प्रतिबिंब सीधा ही बनता है इस कारण से हम लोग प्लस में ही लेते हैं, और यहाँ एफ ओ जो है वो आर बाई टू है, और यहाँ हेयर आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, मतलब यहाँ आर जो है वो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, मतलब जो बड़ा वाला दर्पण ले थे उसकी त्रिज्या आर होगी, तो एफ ओ का मान आर बाई टू से निकल के आ जाएगा और एम पी का मान एफ ओ बाई एफ ई होगा। ध्यान क्या रखना है, फॉर्मूला कहाँ से आया कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो अनंत पर बनने पर हम लोगों को हर हाल में वो मैग्नीफाइंग पावर एफ ओ बाई एफ ई के रूप में ही मिलेगा, ये होता है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है न्यूटोनियन टेलीस्कोप। न्यूटोनियन टेलीस्कोप भी ठीक वैसा ही है जैसा इससे पहले पढ़े थे कि इट कंसिस्ट ऑफ टू ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर एज ऑब्जेक्टिव, अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव, द फाइनल इमेज इज सीन थ्रू द आई पीस फिटेड एट वन साइड। मतलब इसमें क्या है कि इसमें अभिदृश्यक के रूप में बड़े द्वारक का अवतल दर्पण होता है, एक समतल दर्पण को अभिदृश्यक के अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित किया जाता है, अंतिम प्रतिबिंब एक किनारे पर व्यवस्थित अभिदृश्यक द्वारा देखा जाता है। तो देखना इसमें कि कैसे कैसे इसमें काम करता है या फिगर कैसा होता है, इसको हम थोड़ा कर देते हैं छोटा। देखो क्या होता है इसमें कि ये है एक अभिदृश्यक, ओ लेंस इसको कहते हैं, मतलब ओ दर्पण है, ये अवतल दर्पण अभिदृश्यक के रूप में है, और इसके दोनों तरफ साइड में लगा हुआ कवरिंग है। यहाँ देखो लाइट ऐसे आ रहा है, आकर के इस पर पड़ा तो परावर्तित होकर इधर जाएगा। इसके अक्ष से 45 डिग्री पर एक समतल दर्पण को रखते हैं, इस समतल दर्पण प्रकाश को इधर से इधर मोड़ देता है, और यहाँ साइड में देखो दो गो लेंस लगा हुआ है एक दूसरे के साथ, और ये जो है यहाँ इसका अभिनेत्र की तरह काम करता है, दोनों मिलकर काम करता है ये, और अंतिम प्रतिबिंब देखो हमारे हमको यहाँ से दिखाई देता है, ये अभिनेत्र लेंस से दिखाई देता है, मतलब अभिदृश्य के रूप में अवतल दर्पण, उसके सामने समतल दर्पण 45 डिग्री पर, और अभिनेत्र लेंस से हम लोग देख पाते हैं। यहाँ भी ध्यान देना कि अंतिम जो प्रकाश की किरण पहुँचती है आँख पर ई होती है समांतर, तो समांतर होने के कारण अंतिम प्रतिबिंब हम लोग को अनंत पर दिखाई देता है, और जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो फिर से वही बात होगा कि इसमें एफ ओ बाई एफ ई अगर लिखते हैं, मैग्नीफाइंग पावर को लिखेंगे तो वो हो जाएगा एफ ओ बाई एफ ई, और सीधा प्रतिबिंब बनता है इस कारण से एफ ओ बाई एफ ई, और एफ ओ को लिखेंगे तो वो आर बाई टू हो जाएगा, और जहाँ आर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर होता है, मतलब कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ये आर का मान, इस तरह का होता है। एक बार मुझे कमेंट करके बताओ क्या यहाँ तक का सब कुछ क्लियर है, क्योंकि कैसेग्रेन और न्यूटोनियन में कुछ खास नहीं है, बस खाली आपको इसका फिगर याद रह गया तो बाकी सब कुछ हो जाएगा। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है इस कारण से इसमें हम लोग को मैग्नीफाइंग पावर के लिए वही फॉर्मूला एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ ई मिलता है। आई पी एल मैच है सर जी, विपिन रावत, अभी आई पी एल शुरू हो रहा है बालक, आई पी एल तो कुछ देर बाद होगा। त्रिषा परी बोल रहे हैं महान है सर आप, थैंक यू सो मच बालक, अभी महान तो नहीं है बस लगे हुए हैं। विच क्लास चिलविल क्लास चल रहा है या ट्वेल्थ का, और अगर आपके काम का है तो बिल्कुल आप अटेंड करिए। चलिए लास्ट टॉपिक ये होगा और इसको जल्दी से हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, बहुत सारे लोग तो भाग भाग गए हैं, मतलब कैसा भगोड़ा भगोड़ा स्टूडेंट मिला है हमको, और बाद में ड्रामा क्या कर रहेगा कि सर पढ़ाते नहीं, सर समझ में नहीं आता है, समझ में क्या आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, और समझ में आना भी नहीं चाहिए उन लोग, शराब भी लगेगा। तो ध्यान दो यहाँ, डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, मतलब अपवर्तक एवं परावर्तक दूरदर्शी में अंतर क्या क्या होता है, ध्यान से इसको समझना, और इसको तो आप बीबीआई जरूर मार्क कर लेना क्योंकि ये दो नंबर वाले में पूछेगा आपसे, और जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप था ना और कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो 5 नंबर का था, कितना परसेंट है 18 है, चलेगा। तो रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग दोनों टाइप के टेलीस्कोप में हम लोग को अंतर देखना है। सबसे पहला है रिफ्रैक्टिंग वाले में अपवर्तक में कि द ऑब्जेक्टिव इज एक्रोमैटिक कन्वर्जिंग लेंस, मतलब अभिदृश्यक जो है अवर्णीय अभिसारी, अभिसारी कहने का मतलब आप समझोगे कि उत्तल लेंस होता है, अभिसारी लेंस कहने का मतलब उत्तल लेंस होता है, जबकि रिफ्लेक्टिंग वाले में द ऑब्जेक्टिव लेंस इज पैराबोलॉइडल, पैराबोलॉइडल मतलब वही अवतल वाला जो ज़्यादा कर्व किया हुआ रहता है,
तो आप अवतल भी लिख सकते हो या पैराबोलॉइडल भी लिख सकते हो, इसलिए हमने ब्रैकेट में कॉनकेव लिख दिया है। यानी कि अभिदृश्यक जो है वो परावलीय या अवतल प्रकृति का दर्पण होता है। इसमें लेंस होता है कैसा वाला, उत्तल लेंस, और इसमें होता है अवतल वाला दर्पण। ये दोनों में सबसे मेजर डिफरेंस है अपवर्तक और परावर्तक वाले में। ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद सेकेंड देखना इसका डिफरेंस, इट सफर्स फ्रॉम क्रोमैटिक एंड स्फेरिकल एब्रेशन एंड हेंस इमेज फॉर्म्ड इज कलर्ड एंड ब्लर्ड। मतलब इसमें, मतलब अपवर्तक वाले में वर्णीय तथा गोलीय विपथन होता है, इसलिए और इसलिए बना प्रतिबिंब रंगीन तथा धुंधला होता है। जबकि दूसरे परावर्तक में देखो कि इट इज फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एंड स्फेरिकल एब्रेशन सो इमेज फॉर्म्ड इज शार्प एंड ब्राइट। मतलब यह वर्णीय तथा गोलीय विपथन से मुक्त होता है, इसलिए बना प्रतिबिंब तीक्ष्ण तथा चमकीला होता है। मतलब इसमें जो है स्फेरिकल और क्रोमैटिक एब्रेशन होने के कारण कलर्ड और ब्लर्ड बनेगा, और इसमें जो है चूंकि ज्यादा ये सब होवे नहीं करता है, इसलिए एकदम तीक्ष्ण मतलब एकदम शार्प इमेज बनता है और एकदम क्लियर इमेज बनता है, ब्राइट इमेज बनता है। ये होता है दूसरा डिफरेंस दोनों का। उसके बाद तीसरा है, इसमें दो नंबर के लिए आपको रहेगा और कम से कम चार लिखना होगा, कि द लाइट गैदरिंग पावर इज स्मॉल सो फेंट इमेज ऑफ डिस्टेंट स्टार इज ऑब्जर्व। मतलब कि इसकी प्रकाश एकत्रण क्षमता अपवर्तक वाले की कम होती है, इसलिए दूरस्थ तारों का प्रतिबिंब धुंधला बनता है। जबकि परावर्तक में द लाइट गैदरिंग पावर इज लार्ज सो अ ब्राइट इमेज ऑफ डिस्टेंट स्टार इज ऑब्जर्व। मतलब इसकी प्रकाश एकत्रण क्षमता अधिक होती है, इसलिए दूरस्थ तारों का प्रतिबिंब चमकीला बनता है। मतलब क्योंकि लेंस में हम क्या बताया कि बहुत बड़े अपर्चर का लेंस नहीं बना सकते, क्योंकि उसको बनाना भी मुश्किल और हैंडल करना भी मुश्किल। और जबकि दर्पण जब हम बनाते हैं तो बहुत बड़ा बना सकते हैं, क्योंकि उसमें पीछे से हम सपोर्ट दे सकते हैं। तो इस कारण से ये उसका लाइट गैदरिंग पावर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो बहुत दूर के तारे का भी जो है उससे ज़्यादा लाइट जब आएगा तो हम लोग को क्लियर इमेज बना के दिखाता है ये, और चमकीला इमेज बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ, इट इज यूज्ड फॉर जनरल पर्पस एंड हैंडी। मतलब इसका सामान्य प्रयोग में लाया जाता है और छोटा होता है, मतलब आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। इट इज यूज इन एस्ट्रोनॉमी एंड नॉट हैंडी। इसे खगोलीय विज्ञान में प्रयोग किया जाता है तब बहुत बड़ा होता है, हैंडी नहीं होता है कि आप जहाँ मन वहाँ ले चले जाएंगे। आप मेला वगैरह में गए होंगे तो वो देखेंगे छोटा वाला जो टेलीस्कोप मिलता है वो वाला, तो वो आसानी से खरीद सकते हैं, वो लेंस से काम करता है। लेकिन जो परावर्तक वाला होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, वो बड़े बड़े बहुत विशाल होते हैं। आपको जान के हैरत लगेगा कि अरबों खरबों रुपये का होता है, और वो लगा हुआ होता है मतलब जहाँ भी ऑब्जर्वेटरी होती है वहाँ लगा हुआ होता है ये, और हम लोग के घर में साधारण प्रयोग में ये नहीं आता है। तो ये हो गया हमारा पूरा क्लास पूरे टेलीस्कोप का, जिसमें हमने आपको दो टेलीस्कोप का ये डेफिनेशन बताया, फिर रिफ्लेक्टिंग बताया, रिफ्लेक्टिंग के दो टाइप में दोनों का डिटेल डेरिवेशन किया, एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल। उसका रिफ्लेक्टिंग का भी दो टाइप होता है, वो होता है कैसेग्रेन और न्यूटोनियन, उसका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन किया, और रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग टाइप में पूरा डिफरेंस बताया, और इसमें सारे न्यूमेरिकल के लिए जो इंपॉर्टेंट थ्योरम थे वो सारे कुछ क्लियर कर दिए। क्या यहाँ तक के क्लास में क्या सभी लोग को सारा कुछ क्लियर है, एक बार कमेंट करके बताना। सार मत किसी को दीजिए, क्या बोल रहे हो यार गुरु चेला। किलविल बोल रहे हैं, सर मैं नाइन्थ का हूँ, कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो बेटा थोड़ा सा और प्रमोट हो जाने दो, उसके बाद आपके काम का होगा। ये नाइन्थ के लिए नहीं है, ट्वेल्थ क्लास के लिए है, थोड़ा वेट कर लीजिए, हो जाएगा। गुरुचला बोल रहे हैं, नहीं ना प्रो ट्वेल्थ का है, तुमको काहे को जलन बढ़ रहा है यार, पढ़ने दो भाई। अच्छा है कि वो अभी से जब आप टेंथ में आना तो ट्वेल्थ पढ़ना, जब नाइन्थ में हो तो अलेवेंथ का सिलेबस पढ़ना, और जब टेंथ में हो तो ट्वेल्थ का सिलेबस पढ़ना आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और बिलीव करिए, जिस भी 9 10 के टीचर के पास आप पढ़ रहे होगे ना किल्विन भाई, उस टीचर को आप पढ़ा दोगे अगर आपने मेरे से पढ़ा 11th और 12th, देखिएगा आएगा टाइम। सर कल न्यूमेरिकल क्लास होगा? हाँ आस्था, कल न्यूमेरिकल होगा। हम टेलीग्राम पे आपको देने वाले हैं ऑप्शन कि कौन कौन से क्वेश्चन में किसको किसको है प्रॉब्लम, वहाँ पे वो क्वेश्चन को आप मार्क कर देना। और हम 56 कितना से क्वेश्चन था, 70 तक हो गया, अब 75 तक हो गया है, टाइम पास कर रहा है सर। अरे टाइम पास क्या करेगा बालक, पढ़ेगा तो पढ़ेगा और नहीं पढ़ेगा तो निकलेगा। क्वेश्चन जो है वो हम लोग का था, कहाँ गया न्यूमेरिकल का बुकलेट, इसमें तुम लोग पे हम भरोसा नहीं करते यार। हाँ डिफेक्ट्स ऑफ विजन जो है 56 से लेकर के 70 तक, तो कल ही बोले थे टेलीस्कोप खत्म ना हो गया आज, तो 75 तक हो गया। तो बालक लोग अब जो है 56 से लेकर के 56 से लेकर के और 75 तक में
जो जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा उस क्वेश्चन को हम आपको दे देंगे, ये टेलीग्राम पे एक दे देंगे क्रिएट करके पोल, उसमें आपको जो जो प्रॉब्लम होगा केवल उसी को टिक करना, वो टिक कर दीजिएगा तो जो जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा उसको हम आपको क्लियर कर देंगे। क्लास कब खुलेगा सर जी? बस कल भर देखो ना, कल के बाद परसों। चलिए एवरीथिंग ओके नाउ, तो हम लोग आज से क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं कल के क्लास में। हमने क्या बोला है, 56 से लेकर के और 75 तक, 56 से 75 तक के सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक बार आप लोग बना लीजिएगा, जो जो प्रॉब्लम होगा वो हमको बताइएगा कल के क्लास में, हम न्यूमेरिकल करवाने वाले हैं। उसके बाद ध्यान रखना 150 क्वेश्चन का, 150 क्वेश्चन का आपको हम ऑब्जेक्टिव बुकलेट दिए हुए हैं, तो उस ऑब्जेक्टिव बुकलेट को भी हम करवाने वाले हैं लाइव में। जब क्लास ओपन भी हो जाएगा तो भी उसका हम लाइव क्लास ही लेने वाले हैं। उसके बाद क्वेश्चन बैंक का बुकलेट आपको दिया हुआ है, उसका भी हम लाइव क्लास ही लेकर के पढ़ाने वाले हैं। मतलब बहुत कुछ आपको इस चैनल पे मिलने वाला है, तो काइंडली जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी जरूर कर दीजिए, और मिलते हैं अगले क्लास में। न्यूमेरिकल इसका कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो है अगर क्लास ओपन हो जाएगा तो हम लोग पढ़ेंगे, क्लास में आकर पढ़ लेंगे। थैंक यू सो मच टू यू ऑल। और बाद में आप आकर के जरूर लाइक और कमेंट वगैरह जरूर कर लीजिएगा, बहुत सारे लोग का कमेंट ये आता है, बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। कुछ लोग हैं जो फालतू वाला बकवास करने के लिए आते हैं, खैर उन लोगों से हमको मतलब भी नहीं है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं और मिलते हैं कल हम लोग इसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं। थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।